मछली को जो पकड़ने वाले लोग हैं वो एक कांटा लेते हैं और उस कांटे के अंदर मछली फंस जाए, इसलिए मछली को जिस चीज में स्वाद है ऐसी चीज यानी आटे की छोटी सी गोली या कोई छोटा सा जीव उस कांटे के अंदर फिट कर देते हैं। उस जीव को खाने के लिए या आटे को खाने के लिए मछली भागती हुई आती है, उसको जैसे ही मुंह में लेती है और वो किनारे बैठा हुआ जो पारधी है वो कांटा खींचता है और मछली पकड़ी जाती है और मछली को निकाल के ले जाता है। केवल अपनी स्वादेंद्रिय के कारण मछली अपना जीवन गंवाती है, ये तो एक ही इंद्रिय की बात है। और आखिर में बात करते हैं भृंगाह अर्थात भ्रमर। ये जो भंवरा होता है ना उसकी भी एक कमजोरी है, क्या नासिका इंद्रिय जो है घ्राणेन्द्रिय है, उस घ्राणेन्द्रिय की वजह से भंवरा मारा जाता है। भंवरा उड़ता हुआ जब निकलता है और उसको सुगंध बहुत प्रिय है, उसमें भी कमल की सुगंध ज्यादा प्रिय है, वो कमल को खोजते हुए ढूंढते हुए कमल की जहां से सुगंध आती है उस दिशा में गति करता है और कमल जहां खड़ा है वहां पर जाता है और कमल के बीच में जाकर फूल के बीच में कुमुद में बैठ जाता है और जैसे ही कुमुद में बैठ जाता है सुगंध लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है, उस सुगंधी में बेहोशी का अनुभव करता है, जैसे उसको कोई मद चढ़ गया हो वैसे मदोन्मत्त हो जाता है और फिर शाम होती है और स्वभावानुसार कमल उसकी अपनी पंखुड़ियों को फिट कर देता है। सुबह को सूर्य निकलता है तब कमल खिलता है और जब सूर्य अस्त होता है तब कमल फिट हो जाता है। तो जैसे ही कमल बंद होता है तो भ्रमर अंदर बंद हो जाता है, उसको भान नहीं रहता कि मुझे बाहर निकलना है और सुगंध लेते लेते वो कुमुद के अंदर बंद हो जाता है और फिर क्या होता है वो मन में सोचता है प्रातर भविष्यति, अब प्रातः होगा सूर्य नारायण आएंगे फिर कमल खिलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। सोचते सोचते रात गुजार देता है और सुबह होते ही सूर्य निकले उससे पहले हाथियों का झुंड आ जाता है और एक हाथी कमल को पकड़कर फूल को जोर से लेके वैसे नीचे गिराता है और जैसे ही फूल को गिराता है उसके ऊपर अपना ही पैर रख देता है और भ्रमर मारा जाता है। इसीलिए काका साहब कालेलकर ने आगे इसी कविता में आगे लिखा, क्या लिखते काका साहब, सुगंधी वायु लहराता भ्रमर तू दौड़ी ना जाते, 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 कुमुदना कैद खाना थी मजा छे दूर रहवा मां, कुमुदना कैद खाना थी मजा छे दूर रहवा मां, कुमुदना कैद खाना थी मजा छे दूर रहवा मां, कुमुदना कैद खाना थी मजा छे दूर रहवा मां, समीप सन पाप छे जाजा जाते दूर रहवा मां, समीप संताप छे जाजा जाते दूर रहवा मां, सजी ने गोपियों भेली वजा श्री कृष्ण द्वारी का, सजी ने गोपियों भेली वजा श्री कृष्ण द्वारी का, सजी ने गोपियों भेली वस्या श्री कृष्ण द्वारिका, सजी ने गोपियों गैली वस्या श्री कृष्ण द्वारिका, प्रभुए जानी जोयू के मजा छे दूर रहवा मां, प्रभुए जानी जोयू के मजा छे दूर रहवा मां, समीप संताप छे जाजा जाते दूर रहवा मां, समीप संताप छे जाजा बजाते दूर रहवा मां। देखिए एक एक इंद्रिय के कारण ये सब मारे जाते हैं, हरण अपनी कर्णेन्द्रिय के कारण मारा जाता है, मीन अपनी स्वादेंद्रिय के कारण मारी जाती है और भृंग अपनी घ्राणेन्द्रिय के कारण मारा जाता है, अगर कोई हाथी है तो वो अपनी स्पर्शेंद्रिय के कारण मारा जाता है,
ये सब एक एक इंद्रिय के कारण मारे जाते हैं। हमारे पास तो ये पांचों के पांचों विद्यमान है, क्या हाल होगा हमारा। हम तो पांचों के पीछे भाग रहे हैं, हमको तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सबके सब, सब इंद्रियों का स्वाद लेना है। अगर स्वाद के पीछे भागोगे तो बंधन निश्चित ही है। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, बद्धो ही को यो विषयानुरागी। बदा हुआ कौन है? जो विषयों के पीछे भागता है वही बदा हुआ है। और मुक्त कौन है? यो विषये विरक्ता, जो विषयों से विरक्त हो चुका है उसी को कहते हैं मुक्त। भगवान सायुज्य मुक्ति प्रदौ, भगवान तो सायुज्य मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए बंधन को अगर पता चल जाए कि मैं यहां बंधा हुआ हूं तो मुक्त हो सकता है। आत्मज्ञान की बात अलग है, ब्रह्म का ज्ञान जो होता है, आत्मज्ञान जो होता है, जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं, वो जीवन मुक्ति का दीप अंदर से जलता है। जीवन मुक्ति का दीप अंदर से प्रकाशमान होता है। जो अद्वैत के मत वाले हैं उनको सबको पता भी है कि जीवन का दीप जीवन के अंदर, हम कैसे बाहर भागते हैं, यहाँ भगवान मिलेगा, वहां भगवान मिलेगा, परमात्मा यहाँ है वहां है। भगवान बाहर नहीं खोजो, भगवान को अंदर खोजो। गीताकार ने यही बात कही गीता में, यद न भासयते चंद्रो, जहां चंद्र प्रकाशमान नहीं है, न सूर्यो, जहां सूर्य प्रकाशमान नहीं होता, न पावत, जहां अग्नि भी नहीं पहुंच सकता, तो वहां पर क्या है? तद्धामम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। अगर वो भगवान का परम धाम है, जहां सूर्य नहीं जा सकता, जहां चंद्र नहीं जा सकता, जहां अग्नि नहीं जा सकता, तो वो परम धाम कहां पर होगा? आप बाहर ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, अंदर खोजना है। भगवान अंदर बैठा हुआ है, परमात्मा अंदर है। परसों ही गार्गी जी ने कथा में बताया था कि अंदर राम बैठा है, तभी तक राम राम बोल लो। जब तक अंदर राम राम है तब तक राम बोलो, नहीं तो पीछे वाले तो बोलेंगे ही, राम बोलो भाई, राम राम बोलो भाई राम। अब पीछे वाले बोले उससे तो अच्छा है कि आप बोलो। किसी ने एक मैसेज अच्छा सा भेजा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने एक मैसेज भेजा है कि अपने जीवन में जब तक जिंदा हो तब तक हरिद्वार में आओ और गंगा का स्नान कर लो, नहीं तो पीछे वाले अस्थियां तो लेकर आएंगे। तो उससे अच्छा है कि जिंदा हो तब तक आओ और यहां पर आकर उसका लाभ ले लो। लेकिन पूर्व जन्म के पाप से हरिचर्चा न सुहाय, पूर्व जन्म में अगर पाप किए हैं तो वो कभी कथा में नहीं बैठ सकता। कथा के लिए आया है, पैसे भर के आया है, टिकट खर्च करके आया है, यहाँ आके सुख दुख भोग रहा है, लेकिन कथा में नहीं बैठ सकता। या तो आसपास में घूमेगा, या तो यहाँ जाएगा वहां जाएगा, कुटिया में जाके सो जाएगा, कुछ नहीं हुआ और यहाँ आ भी गया तो अच्छी नींद कहाँ पर मिल सकती है? उस जगह पर जाकर बैठेगा और आराम से कथा का जो होना हो मुझे नींद मिलनी चाहिए। अरे भाई, तुम 1800 किलोमीटर 1500 किलोमीटर से यहाँ आए, क्यों आए? सोने के लिए? सोने के लिए घर नहीं था क्या? आप घर में सो सकते थे। और यहां आने के बाद भी अगर सोना है तो आपके पास रूम है, कमरा है आपके पास, लेकिन रात भर हम नींद में, नींद नहीं ली हमने। क्यों नहीं ली? बातें करते थे, बैठे थे, रात गुजर गई। गुजराती में कहते हैं ना, आखी रात बीती गई गादला फेरववामा अने ऊंग जा लेवानी वारो थे, त्यां तो सवार उगी गई। गादला फेरववामा आखी रात बीती गई, आम क्या गादला नाख्या, नाम क्या गादला नाख्या, ऊंग आववानो समय थयो त्यारे तो सवार थई गयो, एटले पछी क्या ऊंग लेवानी? तो कथाना मंडपमां जईने ऊंघी જવાનું। परम दिवसे के काले श्रोताना प्रकार आपणने कह्या था, ए वखते श्रोताना प्रकारमां कह्युं, श्रोता 14 प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं? मृच्छालिनी महिष हंस सुक स्वभाव मार्जार काक गजलोक तुल्या सच्छिद्र कुंभ पशु सर्प सिलोपमाना ते श्रावका चतुर्दशधा भवन्ति। 14 प्रकार के श्रोता होते हैं। मृच्छालिनी मिट्टी जैसे, आपको समझाया गया था कि माटी नु ढेपुओ एवा होय, वरसाद आवे त्यां सुधी पलड़े, कथाना मंडप में बैठो छे, हा मस्त 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 बोलतो होय, अने ज्यां वरसाद नी जग्याए तड़को पड्यो एटले पाछो ढेपु नु ढेपु, एमां कोई फरक पड़े नहीं। चालनी चालनी जेवा होय, थूलू थूलू लई जाय अने अंदरथी कचरु कचरु रे अने बाकी नु जे सार सार होय पड़ी जाय। मृच्छालिनी महिष, કેટલાક ભેંસ જેવા હોય મંડપમાં આવે અને ભેંસની જેમ પડ્યા રે, પાછા જોર જોરથી ખેંચ્યો, એવું નહીં બાજુવાળાને ખબર પડે છે તું ઊંઘે છે, ત્યાં સુધી સમજણ ના પડે, ઘર ઘર ઘર
ઊંઘવા માટે આવ્યા છીએ અહીંયા આપણે, ના ના એમને સુવા દો, કઈ ના દો ને, કાલે સાંભળ. મૃચાલની મહિષ, અને ભાઈ કથામાં તો એવું છે કે કથામાં જે આવીને કથા સાંભળતા સાંભળતા ઊંઘે એને બીજા જન્મમાં અજગરનો અવતાર આવે. હવે ઊંઘે એનો તો અજગરનો આવે, પણ જે બાજુમાં બેઠો હોય ના જગાડે ને એને મદારીનો અવતાર આવે. પછી બે ની જોડી જામ એ ઉપર ઉપાડીને ફર્યા કરવાનું. એટલે એક જણ તો પૂછવા, શાસ્ત્રી ડાબી બાજુ બેઠો હોય મદારી બને, જમણી બાજુ વાળો મદારી બેસે? મેં કીધું કેમ, તો કે હું ડાબી બાજુ બેઠું, જો ડાબી બાજુ વાળો બનતો હોય હું જમણી બાજુ બેસી જાઉં કાલથી, પણ હું જગાડું નહીં એમ. દેખો ભાઈ, કહેને કા મતલબ યે હૈ કે કથા મેં આયે હો તો યહાં શ્રવણ કે લિયે આયે હો, જ્ઞાન યજ્ઞ કે લિયે આયે હો, અગર ઇસી કામ કે લિયે આયે હો તો ઇસ કામ કો ન્યાય ભી તો દેના ચાહિયે. કુછ અંદર જાયેગા તો બિગડેગા તો નહીં, અંદર સે સુનો. ઓર ઇસીલિયે શ્રોતાઓ કે જો પ્રકાર ગિનાએ ઉસમેં યે ભી કહા કે કુછ શ્રોતા ભેંસ જૈસે હોતે હૈ, મંડપ મેં જાય અચ્છી જગા ઢૂંઢ નિકાલી, પવન કઈ જગ્યાએ આવે છે, પંખો છે, કુલર ચાલે છે, અને આપણે આરામથી ઊંઘવું છે, કથાનું જે થવું હોય થાય. મારા, અરે એક જણ તો કથા પૂરી થઈ, અમારે ત્યાં ચાલતી હતી પુરુષોત્તમ માસની કથા ચાલે, આખો મહિનો પૂરો થયો, મહારાજે કથા પૂરી કરી, લોકોએ દક્ષિણા આપી, એક બેન પ્રશ્ન પૂછવા માટે આવ્યા, આંખમાંથી પાણી ચાલુ હતું. મહારાજે કીધું, તમને આટલું બધું દુઃખ લાગ્યું કથા પૂરી થઈ? ના ના મહારાજ, કથા પૂરી થઈ એનું દુઃખ નથી. તો અરે મહારાજ, અમારે ત્યાં એક પાડો હતો તો બરાડા પાડી પાડી આમ ને આમ મરી ગયો, તમે આટલા મોટા મોટા બરાડા પાડો, તમારું ઊંટા છે. બોલો, આ લોકોને ચિંતા મહારાજ ના બરાડા પાડે એની ચિંતા છે, તમે હું સાંભળ્યું એની ચિંતા છે. મૃચાલની મહિષ હું સસુક સ્વભાવ, કુછ લોગ હંસ જૈસે હોતે હૈ, સાર સાર લેતે હૈ, પાણી પાણી છોડ દેતે હૈ. મહિષ હું શશુક સ્વભાવ, કુછ શુક શુક જૈસે તોતે જૈસે હોતે હૈ. તોતા કૈસા હૈ? તોતા રટતા રહેતા હૈ, જો આપને રટાયા વો રટેગા, વહી બોલેગા, રામ રામ બોલ તો રામ રામ બોલેગા, ગાલિયાં સિખાઓગે તો ગાલિયાં બોલ, જો આપ બોલોગે ઉસકો દોહરાયેગા. આપને તોતે કો સિખા દિયા કે એક આદમી આયેગા, કાલે કપડે પહેને હુએ હોગા, બડી બડી મૂછે હોગી, તુમ્હારા પિંજરા ખોલેગા ઓર તુમકો માર ડાલેગા, તો વો વહી બોલતા રહેગા, કાલા આદમી આયેગા, કાલે કપડે હોંગે, પિંજરા ખોલેગા, માર ડાલેગા. અબ કાલા આદમી આયેગા તો ભી યહી બોલતા રહેગા, પિંજરા ખોલે તો ભી યહી બોલતા રહેગા, મારે તબ ભી વો યહી બોલતા હોગા, ઉસકો બોલના હી હૈ, બાકી કુછ પતા હી નહીં. કેવલ રટી રટાઈ બાતે જો કરતા હૈ વો તોતે જૈસા હૈ. મૃચાલની મહિષ હું સસુક સ્વભાવ, કઈ અશ્વ જૈસે ઘોડે જૈસે હોતે હૈ. ઘોડા કૈસા હોતા હૈ? ઘોડે કો મારને કી જરૂરત નહીં, ઠોકને કી જરૂરત નહીં, ધોકા નહીં, ડંડા નહીં રખના પડતા આપકો. ઘોડે કો ચલાને કે લિયે લગામ કા ઇશારા હોતા હૈ, ઓર ઇશારા હોતે હી સમજ જાતા હૈ કે મેરા અશ્વાર ક્યા ચાહતા હૈ, ઓર ઘોડા અપની રાહ પકડ લેતા હૈ. ગધો કી બાત અલગ હૈ, મેં ઘોડો કી બાત કર રહા હું. ગધો કો પીટને કે બાદ ભી અચ્છી તરહ સે નહીં ચલ સકતે, ઓર ઘોડે ઇશારે સમજ જાતે હૈ. यहाँ सब घोड़े जैसे ही हैं, इशारा समझ जाते हैं, इसलिए कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है. यहाँ सब हंस जैसे हैं जो सार सार लेते हैं, इसीलिए हंस जैसे हैं तभी तो 1500 किलोमीटर गुजरात से यहाँ आए, नहीं तो यहाँ क्यों आते? वहां भी जगह बहुत थी हमारे आसपास, लेकिन यहाँ क्यों आए? सब हंस जैसे लोग हैं. मृचालनी महिष हूं सुख स्वभाव, मारजार काक गज लोक तुल्या, कुछ मारजार जैसे यानी बिल्ली जैसे होते हैं. आपने बिल्ली देखी है सबने? आपने घर में बिल्ली देखी है सबने? ये बिल्ली का स्वभाव क्या है? ये बिल्ली जो है उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता. दुनिया में आपने कभी बिल्ली को किसी ने ट्रेनिंग दी ऐसा नहीं सुना होगा. आप सर्कस देखने गए होंगे, सर्कस में हाथी होता है, घोड़ा होता है, ऊंट होता है, शेर होता है, बाघ होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली नहीं होती. अब बिल्ली को ट्रेनिंग सर्कस वाले भी नहीं दे सकते. कुछ बिल्ली जैसे होते हैं, कुछ भी कहो उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, हाँ उनको कुछ कुछ तालीम दे नहीं जा सकता. एक बार तो अकबर और बीरबल के साथ संवाद हुआ और राज्यसभा में ये चर्चा हुई, तो बीरबल ने कहा, महाराज बिल्ली को ट्रेनिंग देना मुश्किल होता है. अकबर ने कहा, किससे का मुश्किल होता है? कोई काम मुश्किल नहीं होता, हम कल बिल्ली को ट्रेनिंग देकर तुमको दिखलाएंगे. बिल्कुल ने कहा, ठीक महाराज, अब आपसे तो कौन कहे, जो राजा कहे वही सही है, उसमें तो हम बोल नहीं सकते, आप राजा हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हो नहीं सकता. अब अकबर ने ठान लिया कि हम बिल्ली को ट्रेनिंग देंगे, तालीम देंगे. अब बिल्ली को ट्रेनिंग देने के लिए अकबर ने 3 महीने लगाए और 3 महीने तक तालीम देता रहा, देता रहा, देता रहा.
तीन महीने के बाद उस तालीम का प्रत्यक्षीकरण करना था, डेमो दिखाना था, और डेमो दिखाने के लिए, प्रत्यक्षीकरण के लिए अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल आज मेरे घर भोजन के लिए आओ। बीरबल ने कहा, अच्छा को आज क्या सूझी, मुझे भोजन के लिए बुला रहे हैं, शायद ब्राह्मण भोजन करवाने की इच्छा हो गई होगी। और अकबर ने भोजन के लिए बुलाया। देखिए, आपकी ध्यान के लिए एक बात और कह देता हूं, इतिहास गवाह है कि अकबर हर रोज अपने पीने का पानी गंगा जल ही पीता था, गंगा जी से मंगवाता था और गंगा जल पीता था। आजीवन अकबर ने गंगा जल पिया है। खैर वो बात अलग है, क्योंकि वो समझता था कि गंगा जल की महिमा क्या है। यहां तो बात यह हुई कि अकबर ने ट्रेनिंग दी और तालीम देने के बाद बीरबल को बुलाया। बीरबल खाने के लिए आया, बीरबल सामने बैठा है, अकबर सामने बैठा है, वहां बड़े बड़े बाजो उठाए, चौकी रख दी गई, दोनों भोजन के लिए बैठे। अकबर ने ताली बजाई, अंदर से एक बिल्ली आई और सामने आकर बैठ गई। दूसरी ताली बजाई, दूसरी बिल्ली आई सामने बैठ गई। तीसरी ताली बजाई, तीसरी बिल्ली आई सामने बैठ गई। तीनों लाइन सर बैठ गई। अब अकबर ने और ताली बजाई, एक दासी अंदर से आई, तीन दीपक लेके आई और बिल्ली के सर पे दीपक रख दिए, तीनों बिल्लियों के ऊपर तीन दीपक रख दिए। अब और ताली बजाई, दासी आई, दो थाली लेकर आई, दोनों को थाली परोसी गई, भोजन चालू हुआ। अब भोजन चल रहा है और अकबर बीरबल का मुंह देख रहा है। बीरबल कहता था ना, बिल्ली को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, देख मैंने कैसे ट्रेनिंग दी है। भोजन में ध्यान नहीं था अकबर का, वो बीरबल की ओर देखता था। और बीरबल भी सोच रहा था कि अकबर ने कमाल तो किया है, बिल्ली को ट्रेनिंग तो दी है। भोजन समाप्त हुआ, भोजन समाप्त होते ही ताली बजाई, दासी आई, थाली ले गई, फिर एक ताली बजाई, दासी आई, बिल्लियों के सर से वो दीपक ले गई, फिर ताली बजाई, एक बिल्ली गई, ताली बजाई दूसरी, ताली बजाई तीसरी, पूरा डेमो समाप्त हुआ। और अकबर ने बीरबल की ओर देखकर खोखारा खाया और कहा, देखा। अब बीरबल को भी पता चला, बीरबल ने कहा, महाराज सही है, आपने ट्रेनिंग दी है, मुझे दिखाई देता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये ट्रेनिंग है। बोले, क्यों? बोले, ये तालीम नहीं है, तो आकस्मिक हो गए, एक्सीडेंट है। बोले, नहीं नहीं, तीन महीनों से मैं मेहनत कर रहा हूं और तीन महीनों का परिणाम है, और तू कहता है आकस्मिक हो गया, आकस्मिक कैसे हो सकता है? बोले, अगर आकस्मिक नहीं है तो कल फिर से करके दिखाओ, तो मैं मानू। एक दिन हो गया वो तो आकस्मिक है, कल फिर से हो जाए तो। अकबर ने सोचा, ब्राह्मण है, खाने की इच्छा हुई होगी, और क्या है। बोले, ठीक है, कल फिर भोजन को आ जाना। दूसरे दिन बीरबल को फिर भोजन के लिए बुलाया, फिर वही डेमो चालू हुआ, थाली आ गई, बिल्लियां आ गई, बिल्लियों के ऊपर दीपक रख दिए गए, भोजन शुरू हुआ, दोनों भोजन कर रहे थे। अब उस समय बीरबल क्या हुआ, बीरबल अपने जेब में एक चूहा लेकर आया था, उंदर डोली नायलो, और चूहा धीरे से जेब से निकाला और बिल्लियों की नजर पड़े उस प्रकार से उसने धीरे से चूहे को छोड़ दिया। और जैसे ही चूहे को देखा, तीनों बिल्लियों एक साथ झपड़ पड़ी और चूहे के ऊपर जोर से। बिल्लियां तब तक चुपचाप बैठती है जब तक चूहे को नहीं देखती, और कुछ श्रोता ऐसे होते हैं तब तक चुपचाप है जब तक बिल्ली को नहीं देखते। चूहे को देखा नहीं कि जबते नहीं, ऐसे श्रोता जो हैं वो बिल्ली जैसे, मारजार जैसे हैं। मृच्चालनी महिष हंस सुख स्वभाव, मारजार काक गजलोक तुल्य। कुछ काक यानी कौवे जैसे होते हैं, कौवा चांडाल पक्षी है, कल भी बात हुई। लेकिन कौवा का एक स्वभाव है, आपको आपके घर के आगे कोई गंदगी पड़ी है, कोई हड्डी पड़ी है, कोई चमड़ा पड़ा है, कोई मांस पड़ा है, तो आपको साफ करने के लिए म्युनिसिपैलिटी को लिखना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, उसको तनख्वाह देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, मजदूर को कुछ देना पड़ता है। कौवा बिना मजदूरी के आता है और सफाई करके चला जाता है। ऐसे कुछ कौवे जैसे होते हैं, मंडप में आते हैं और जो गंदगी गंदगी होती है वो लेके चले जाते हैं, वो सब कौवे जैसे होते हैं। मृच्चालनी महिष हंस सुख स्वभाव, मारजार काक गजलोक तुल्या। कुछ लोग जल, जल में जो होती है जड़ों, कहते हैं गुजराती में, हिंदी में उसको कहता से खबर नहीं, लेकिन वो भैंस वगैरह पानी में जाती है तो उसको चिपक जाती है और उसका खून चूस लेती है। वो जो खून चूसने वाली प्राणी होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं और पानी में बनते हैं, और भैंस वगैरह जाती है तो उसके चिपक जाते हैं और उसकी जो खून है वो पी जाते हैं, वैसे कुछ ऐसे होते हैं जो वक्ता का खून पी जाते हैं, आते हैं और खून चूसते रहते हैं, खून चूसते रहते हैं। पंडित जी कहता कि एक जन तो आयो, मैंने इनके महाराज तमने रामायण आवड़े, तमने महाभारत आवड़े, तमने भागवत आवड़े, पण तमने कया कया वस्तु आवड़े छे जरा कहशो। पंडित जी के मैंने कहू कि भाई मने शू आवड़े छे जाणवानुं भूली जाय, तारे शू पूछवुं छे पूछ। तो मने के तमने जो रामायण नी खबर होय तो एवुं को कि हनुमान जी ने पूछड़ू हतुं, हनुमान जी नी माने केम नहोतुं। क्यांथी प्रश्न उठाई लावे, खबर ज नहीं।
હવે આટલી તો બુદ્ધિપૂર્વક નું અધ્યયન આપણે રામાયણ નું ના કર્યું, એટલું તો પેલો ઘરથી વાંચીને આવ્યો. મેં કીધું ભાઈ, તો કે હા તારે મૂછો છે? તો કે હા. કે તારી મમ્મીને? એમાં કઈ શાસ્ત્ર જોવાની જરૂર થોડી છે. ઓઠ હાજા તો ઉત્તર જાજા, ઓઠ હાજા હોવા જોઈએ, હરખો જવાબ આપવાનો. એક ભાઈ તો આવ્યો કે શાસ્ત્રીજી બોલે હા તમને જ્યોતિષ આવડે? તો કે મને શું આવડે, બોલી જા, પૂછવું શું છે બોલ. તો કે જ્યોતિષ આવડતો હતો એવું કહો, તમારું બારમું ક્યારે? શાસ્ત્રીજી કે મારું બારમું તારી વર્ષી પછી. તારી વર્ષી પતી જાય એના પછી, એની પહેલા નથી. એટલે હું તારી વર્ષીના લાડવા કહી અને પછી જઈશ, એની પહેલા જવાનો. લોકો હું પૂછે ખબર નહીં. એક જણ તો આવ્યો, મહારાજ તો કે હા. ભેંસનો કલર કેવો? તો કે કાળો. ઘાસનો કલર? તો કે લીલો. ભેંસ કાળી, ઘાસ લીલું, તો દૂધ સફેદ કેમ? હા, તો કે પ્રશ્ન છે, ભેંસ કાળી, દૂધ લીલું, ઘાસ લીલું, દૂધ સફેદ કેમ? લોકોને પ્રશ્ન કેવા પૂછવાની કઈ જરૂર જ નહીં, તમે આવું કઈ ને કઈ કઈ ને કઈ લઈને આવે. મૃચાલની મહિષ હંસ સુખ સ્વભાવ મારજાર તાક ગજલોક તુલ્યા. કઈ ઉલુક જૈસે હોતે હૈ, ઉલુક કહેતે હૈ ઘુવડ કો, ઉસકો દિન મેં દિખાઈ નહીં દેતા, કેવલ રાત મેં દિખાઈ દેતા હૈ. સબ સચ્ચી સચ્ચી બાત ચલ રહી હો, લેકિન ઉસકો તો ઉસમેં સે ગલતિયાં નહીં, ઉસકો દેખના હી નહીં હૈ. મૃચાલની મહિષ હંસ સુખ સ્વભાવ મારજાર તાક ગજલોક તુલ્યા. સચ્છિદ્ર કુંભ પશુ સર્પ સિલોપ માના. કુછ લોગ મસક જૈસે, મચ્છર જૈસે હોતે હૈ. મચ્છર કા સ્વભાવ ક્યા હોતા હૈ? મચ્છર આપ જહાં બેઠે હો વહાં આતા હૈ ઓર આપકે કાન કે આસપાસ આકર શરૂ હો જાતા હૈ. ફિર આપ વહાં સે નિકાલો તો ઇસ કાન કી તરફ, યહાં સે નિકાલો ઇસ કાન કી તરફ આ જાતા હૈ. કુછ લોગ મચ્છર જૈસે હોતે હૈ, કથા ચલ રહી હૈ, પીછે આકે બેઠતે હૈ ઓર આપકે કાન મેં આકે હવે આવું આવશે, હવે આવું આવશે, હવે શાસ્ત્રીજી આ બોલશે, હવે આ ઉદાહરણ આવવાનું છે. એ પહેલેથી એ જ કર્યા કરે, એ જ કર્યા કરે. કાં તો બહારથી સમાચાર લઈને, તને ખબર પડી શું નરેન્દ્ર મોદીએ આમ કીધું, અખિલેશે આમ કીધું, પેલાએ આમ કીધું, કેજરીવાલે. અલા પણ મેં અહીંયા કથામાં આવ્યો છે, પણ એ કાનની આજુબાજુ આવી આવીને કંઈ ને કંઈ કુછ 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 ગુનગુનાતા રહેતા હૈ, ગુનગુનાતા રહેતા હૈ. એ સબ મચ્છર જૈસે હોતે હૈ. મૃચાલની મહિષ હંસ સુખ સ્વભાવ મારજાર કાક ગજલોક તુલ્યા. સચ્છિદ્ર કુંભ, કઈ સચ્છિદ્ર કુંભ? કુંભ કહેતે હૈ ઘડે કો. આપ ઘડા લેકર પાણી લેને કે લે જાઓ ઓર 80 ઘાટ સે ઘડા ભર કે પાણી યહાં લે આવો કે રુદ્રાભિષેક કરના હૈ. ઓર જબ પાણી લેકે આ રહે હો ઓર ઘડા અગર સબૂત નહીં હૈ, અગર ઘડા કાના હૈ, ફૂટા હુઆ હૈ, અંદર છેદ હૈ, તો ક્યા હોગા? વહાં સે યહાં આતે આતે પાણી સબ નિકલ જાયેગા. ઓર એક છેદ તો ઠીક હૈ, યહાં તો લિખતે હૈ સચ્છિદ્ર કુંભો, એક નહીં 100 છિદ્ર વાલા ઘડા હો, ફિર તો પાણી ભરો બહાર આવો, ભરો બહાર આવો, યહી હોતા હૈ. કઈ સચ્છિદ્ર કુંભ જૈસે હોતે હૈ, કુછ ભી કહો, નિકલતે નિકલતે સબ યહી કા યહી બહાર જાય. કોઈ પૂછે મહારાજે કથા, અરે બહુ મસ્ત કથા હતી, પણ શું કીધું એ તો કે અરે બહુ મસ્ત હતી, તમને ખબર ના પડે એટલે કહેવાય નહીં, તો તમને ખબર પડે નહીં એટલે તારા ભગત ભેજામાં કઈ છે નહીં, એટલે એને યાદ કશું ના રે. એનું નામ સચ્છિદ્ર કુંભ. સચ્છિદ્ર કુંભ પશુ સર્પ સિલોપમાના. કુછ પશુ જેતે જૈસે હોતે હૈ. પશુ કા સ્વભાવ ક્યા હૈ? પશુ કો જહાં તક આપ ડંડા મારો વહીં તક સીધા ચલતા હૈ, ડંડા ન મારો તો સીધા ચલતા હી નહીં. અમારે યાદ એક ભાઈ એવું કે, ક્યા ઢોર બૈરું અને નોકર એને અઠવાડિયામાં એક વાર ખખડાવો તો જ હરખું ચાલે, બાકી ચાલે નહીં. હવે તાળી પકડવાની વાત નથી, આ તો પેલા કીધેલી વાત કહું છું, હું મારો મત નથી આ, હું આવું નથી કેતો, પાછા ઘરે જઈને ચાલુ ના કર્યા તો બધા. આ તો એવું એમણે કીધું એ હું તમને કહું છું કે આવું કીધું, પણ એવું છે નહીં હો. ખરેખર તો વધારેમાં વધારે કોઈ બુદ્ધિશાળી હોતા બહેનો જ છે, એમના જેટલું બુદ્ધિશાળી દુનિયામાં કોઈ છે જ નહીં. ઘણી વાર તો તમને એવું લાગે કે આ બધાને સીઆઈડી માં ભરતી કરવા જોઈએ. સારામાં સારી દલીલો, સારામાં સારું ઇન્વેસ્ટિગેશન કોઈ કરી શકતું હોય તો બહેનો જ કરી શકે. તમે ઘરે જાઓ ને એટલા પ્રશ્નોનો વરસાદ ચાલુ થાય, આટલા તો સીઆઈડી વાળા પ્રશ્નો નથી પૂછતા. તમે ક્રાઇમ પેટ્રોલ જોજો, એમાં આટલા પ્રશ્નો ના આવે, એટલા પ્રશ્નો અમને ખબર હોય. અને એટલું નિરીક્ષણ પાવરફુલ હોય, તમારા શરીર ઉપર ઉડતો ઉડતો ક્યાંકથી કોકનો વાળ અડી ગયો હોય ને તોય તમારું આઈ બની વાજે. હા ભાઈ, આ તો આમને બોલું છું. હા, ક્યાંકથી તમારા કપડામાં કોઈએ સ્પ્રે છાંટ્યો હોય, સુગંધ આવી ગઈ હોય તો એ ઘરે જઈને 70 જવાબ આપવા પડે કે આ સુગંધ સાની છે.
ખેર મારે તો એ વાત નથી કરવી અહીંયા તો એક કેવું છે કે સચ્છિદ્ર કુંભ પશુ સર્પ સિલોપ માના કુછ સર્પ જૈસે હોતે હૈ સાપ કા સ્વભાવ એસા હૈ કુછ ભી ખિલાઓ કુછ ભી પિલાઓ જહેર હી ઓકતા હૈ વિષ હી નિકાલતા હૈ દૂધ પીતા હૈ ઓર વિષ નિકાલતા હૈ એસે કુછ અચ્છા સુનને કે બાદ ભી ઉસમે સે કુછ ગલત અર્થ નિકાલ લે એસે જો શ્રોતા હૈ વો સર્પ જૈસે હૈ सच्छिद्र कुंभ पशु सर्प सिलोप माना कुछ शिला जैसे यानी पत्थर जैसे होते हैं। पत्थर का स्वभाव क्या है, कितना भी पानी गिराओ अंदर से वो कोरा का कोरा, कोई असर नहीं होती, भीगा हुआ लगता है वास्तव में भीगा हुआ। गंगा जी में जाओ कितने पत्थर पड़े हैं लेकिन बाहर निकाल के लाओ एक भी गंगा जल का बिंदु उसके अंदर घुसा नहीं है। यही होता है। कहाँ गए थे, काशी वाराणसी, क्या करके कथा सुन के आए। अरे दो दो विषयों पर वक्ता बहुत अच्छा बोलते थे, क्या कथा की, मजा आ गया, आनंद। अरे कुछ क्या हुआ, तुम्हारे अंदर कुछ गिरा? नहीं, मैंने तो पहले एक रुपया ब्याज लेता था, अब 1.5 रुपया लेता हूं। अब तुम्हारे अंदर तो कुछ घुसा नहीं, पहले ब्याज 3 रुपया लेता था, अब 4 रुपया लेता हूं। देखो ब्राह्मणों के लिए तो ब्याज का धंधा करना भी निषेध है। कल या परसों ही कथा में शायद आया था, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कथा में जाने के बाद बोले पहले आप 3 रुपया ब्याज लेते थे, अब 4 रुपया क्यों कर दिया? कथा का खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना। अब कथा का खर्चा निकालने के लिए 3 का 4 रुपया लोगों को लूटना है, ये ठीक नहीं है। और इसलिए कथा में जाने के बाद भी जिनके अंदर, पंडित जी बहुत सरस कहता कि तमे कथा में बैठा है महत्वनु नथी, कथा तमारा में बैठी के नहीं ये महत्वनु छे, तमारा में कथा केटली बैठी, તમે તો કથામાં બેઠા એક અઠવાડિયું પણ કથા તમારામાં ન બેઠી હોય તો કોઈ મતલબ નથી। આ બધા શિલા જેવા લોકો છે। જો 14 પ્રકાર તમને કીધા, આટલા આટલા શ્રોતાના પ્રકાર છે। હમણાં ગઈ વખતે કથામાં ગયા ને ત્યાં એક ભાઈ આવ્યા, મને કે આજકાલ 15મો પ્રકાર આવ્યો છે તમને ખબર છે? મને 15મો પ્રકાર કયો છે? મેં કીધું મને ખબર નથી, હમણાં તું કહી રાખતો વારાણસી કથામાં કહી દઉં તો ભાઈ 15મો પ્રકાર નવો પ્રકાર આવ્યો। મને કે પહેલા ના તો હમણાં જ પેદા થયો, આ કળિયુગ આયા પછી આ નવો પ્રકાર આવ્યો, એટલે એ વખતે લખવાનો રહી ગયેલો। કોણ સા પ્રકાર હૈ? નયા પ્રકાર એસા હૈ શ્રોતા કા, 15મા પ્રકાર હૈ વો વૈસા હૈ કે આપ કભી મંદિર મે જાઓ, કથા મે જાઓ તો અપને જો ફટે હુએ જૂતે હૈ વો લેકર જાના હૈ, અપને પુરાને જૂતે લેકર જાના હૈ ઓર દેખના હૈ પીછે બેઠ કે કિ કિસકે જૂતે નયે હૈ ઓર જિનકે જૂતે નયે હૈ ઉસમે પૈર ડાલ કે ફિર રવાના કર કિ ઓર અચ્યુતમ કેશવમ। યે નયા પ્રકાર હૈ, યે પહેલે નહીં થા। કથા મે જૂતે ચોરને કે લિયે આને વાલા પ્રકાર અબ અભી ભી આયા હૈ, પહેલે નહીં થા। અબ યે જૂતે કી ચોરી જો શરૂ હુઈ હૈ, એક બાર તો એસા હુઆ, એક શેઠ મંદિર મે ગયે। અબ કુછ લોગ મંદિર મે જાતે હૈ તો દેખને જૈસા હોતા હૈ, વો મંદિર મે જાતે હૈ जूते बाहर उतारते हैं लेकिन उनका दिमाग जूते में घूमता है, तो जूतों का क्या होगा, जूतों का क्या होगा, जूतों का क्या होगा। अब मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, त्वमेव माता च पिता, फिर वापस देखता है जूते कहाँ है, पिता त्वमेव, अब जूते देख रहा था और वहीं से गधा निकला, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, भगवान को प्रणाम कर रहा है और दिमाग वहां घूम रहा है गधे में या जूते में। ऐसे भगवान को प्रणाम नहीं करते। बंधन तो परमात्मा को भी बंधन में डाल देता है, इसलिए वंदन करो तब अपने। पंडित जी बहुत अच्छी बात करते थे कि 3 H को मिलाओ, ये 3 H हेड हैंड और हार्ट, आपका हेड झुकना चाहिए, वो मस्तिष्क जो है वो झुकना चाहिए, हैंड यानी आपके दोनों हाथ झुकने चाहिए और हृदय में भगवान का ध्यान करना चाहिए। यही बात तो पतंजलि ने कही, तज जपत तदर्थ भावनम, जिसका जप करते हो उसी का ध्यान करना चाहिए। यही तो बात कही कि हेड हैंड और हार्ट तीनों को मिलाकर भगवान को प्रणाम करो। ये तो सेठ गया। अब सेठ गया मंदिर में तो मंदिर में जाते वक्त उसको पता था कि यहाँ जूतों की चोरी ज्यादा होती है, तो जूतों को बचाने के लिए क्या किया जाए, तो उसने क्या किया, एक जूता इस कोने में उतारा और दूसरा जूता था वो उस कोने में उतारा कि चोरी करने वाला एक तो चोरी करके जाएगा नहीं, अब एक यहां पड़ा है दूसरा वहां पड़ा है, वहां लेने के लिए कहां जाएगा, तो एक यहां उतारा दूसरा वहां उतारा और वैसे ही चला गया। अब वहां जूता चोरी करने वाला एक लड़का था, 15-16 साल का लड़का था। अब उसने देखा एक जूता पड़ा है नया है, और कोई जूता तो नया है नहीं, लेकिन अब एक जूता चुराओ कि क्या करूं। अब सोच रहा था फिर उसके दिमाग में बैठ गई कि मैं एक ही ले लेता हूं,
क्योंकि जो लेके आया होगा वो मुझसे ज्यादा समझदार लगता है, इसलिए इसने यहाँ दोनों नहीं खोले हैं। लेकिन वो भी तो एक घर लेके नहीं जाएगा, दूसरा भी फेंक के जाएगा कि अब एक लेके क्या करूं, दूसरा भी फेंक के चला जाएगा और मैं दूसरा भी ले लूंगा। ऐसा सोचकर उसने एक जूता ले लिया, थैली में डाला, यहाँ बगल में डालकर वैसे ही खड़ा हो गया एक बाजू कोने में जाकर। वो एक तरफ कोने में खड़ा था और वो दर्शन करके सेठ जी आए, सेठ जी को एक जूता उधर कोने से ले आए, इधर वाले कोने में जो जूता था वो ढूंढने लगे, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, कहीं जूता नहीं मिल रहा है। अब सेठ के दिमाग में बात नहीं बैठ रही है कि एक जूता कौन लेकर जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन शायद लगता है ये चोर भी बहुत होशियार है, एक लेके चला गया है। अब सेठ ने सोचा एक तो एक, अब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये तो मैं लेके ही जाऊंगा। अब लड़के को पता चल जाए कि ये क्या ढूंढ रहा है, वो तो देख रहा था ये यही जूता ढूंढ रहा है और उसके पास जूता था, अब वो तो चुपचाप खड़ा है। सेठ आसपास ढूंढते हुए आखिर में एक जूता हाथ में लेकर चल दिए। अब सेठ जा रहे थे, लड़के ने देखा ये भी होशियार है, एक भी फेंक के नहीं जाएगा। अब सेठ ने सोचा कि कल ही नए बनाए हैं और नए बनाए के 600 रुपये दिए हैं, तो 600 रुपयों में दो बने हैं तो मोची के पास वापस जाता हूं और उसको कहता हूं कि 300 का एक बना दे, तो शायद बना देगा। अब वो मोची के वहां जाने के लिए निकला और वो लड़का भी उसके पीछे पीछे गया। वो मोची की दुकान पर गए और मोची को जाके कहा, छगन भाई, बोले हाँ, गई काले में तुम्हारे त्यां थी बे बूट बनवड़ाया था, तो हाँ एमाथी मारू एक बूट खोवाई गयु, एक काम करो ने, हूँ तमने आ नवो बूट आपू छू, पेलू जूनू तो आज मापनू अने आलाज प्रकार हूँ, डाबा पगनू तो छे ज मारी जोड़े, जमणा पगनू बनाई आपो, एक पैर का है दूसरे पैर का मुझे बनाकर दे दीजिए। अब मोची ने कहा ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन आपके 450 रुपये लगेंगे। उसने कहा 450 कैसे, दोनों के तो तुमने 600 लिए थे। बोले दूसरे दोनों बनवा लो, 600 लूंगा, एक बनाना हो तो 450 लगेंगे, दो बनाने हो तो 600 में बना दूंगा। अब मोची भी होशियार है कि उसको जरूरत होगी तो बनाएगा, दोनों में फायदा है, एक बनाए तो भी फायदा है, दो बनाए तो भी फायदा है। अब उसने कहा भाई 450 नहीं, मैं 400 दूंगा। ठीक है 400 देना, 400 में बात तय हुई। बोले ये जूता तुम्हारे नाप के लिए रखो और मैं ये 100 रुपया भी तुमको दे देता हूँ, 100 रुपया रखो, बाकी का जूता जब लेने के लिए आऊंगा तो बाकी के 300 रुपये दे दूंगा। बोले ठीक है, 100 रुपया दे दिया और वो सेठ घर पर गया। आधे घंटे के बाद वो जो चोर लड़का था वो दूसरा जूता लेकर मोची की दुकान पर पहुंचा और एक साथ में चिट्ठी अपने हाथों से लिख कर गया था, वो चिट्ठी उसको हाथ में पकड़ा दी और मोची से कहा कि सेठ ने भेजा है और ये चिट्ठी आप पढ़ ली। चिट्ठी में लिखा था, छगन भाई मोची, आपको मालूम होए कि मैंने आपको दो जूते, मेरे जो एक गुम हो गया था दूसरा बनाने के लिए दिया था, लेकिन अब मेरा गुम हो गया था वो जूता मिल गया है, इसलिए मुझे नहीं बनाना है, तो ये जूता इस लड़के को दे दीजिए और जो मैंने 100 रुपया दिया था वो भी इस लड़के को दे दीजिएगा, लेकिन वो तभी दीजिएगा जब जो मेरा मिला हुआ खोया हुआ जूता जो वापस मिला है वो आपको बताए दिखाए तो ही देना, ना कर मत देना। और उसने मोची ने कहा दूसरा जूते लाए हो, बोले हाँ लाया हूँ ना, बोले दिखाओ, उसने दिखाया, बोले हाँ यही है, बिल्कुल ठीक है, लो ये दूसरा जूता और 100 रुपया, जूता भी गया और 100 रुपया भी गया, अच्युतम केशवम रामना। ये नया प्रकार है, इसलिए सावधान रहो, जहां भी जाओ तो अपने जूते गंवाने की तैयारी रखो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, यहाँ तो हम बात बीच में बात चल गई इसलिए श्रोता की बात तो छेड़ दी, बात यह हो रही थी कि सायुज मुक्तिप्र जो भगवान है, वो भगवान जिस प्रकार से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं वो मुक्ति को देने वाले परमात्मा हैं। हम बंधन से मुक्त तभी हो सकते हैं। देखिए लकड़ी के अंदर अग्नि है, हर एक लकड़ी में अग्नि है, आपको सबको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लकड़ी में अग्नि है लेकिन अग्नि दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर वही लकड़ी उसके पास अगर दूसरी लकड़ी आए और दोनों लकड़ी का घर्षण हो तो उसमें से वो अग्नि प्रकट होता है और प्रकट होने के बाद उसी अग्नि में वो लकड़ी भस्म होकर भस्मीभूत हो जाती है, लकड़ी खाक हो जाती है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है उस ब्रह्म को पाने के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको भी क्या करना है, सदगुरु रूपी दूसरी लकड़ी के साथ इस लकड़ी का घर्षण करना है, उसमें से जो अग्नि रूपी ज्योति अंदर प्रकट होगी यानी ब्रह्म का दर्शन अंदर होने वाला है और वो जिस दिन हो गया तब ये जो मेरा अहम है, मैं हूं, मेरा जो देह भाव है वो पूरा का पूरा भस्मीभूत हो जाएगा और मैं स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता हूं।
केवल कहने के लिए मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं से ब्रह्म नहीं होगा, लेकिन ये ब्रह्म की अनुभूति जिस दिन हो जाएगी उस दिन ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा श्लोकार्धेन प्रभक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, पूरा जगत जो संसार है वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और क्या कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, मैं आपको आधे श्लोक में ये बात बता देता हूं। कौन सी? जो करोड़ों ग्रंथों में कही गई है, वो करोड़ों ग्रंथों में से निकालकर मैं आपको आधे वाक्य में बता देता हूं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, क्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म ही परमात्मा ही सत्य है, उसको छोड़कर जो पूरा संसार है, ये जो जगत है, ये जो दृश्यमान सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, वो सब मिथ्या है। देखिए असत्य नहीं कहा, मिथ्या कहा। अब मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, वो तो बार बार आप कथा में सुनते ही रहते हैं, फिर भी यहां जो बात आ रही है इसलिए हम बात कर रहे हैं। जो सत्य की बात कही वो तीन प्रकार के सत्य को बताया गया। कौन से हैं? एक पारमार्थिक सत्य है, एक व्यवहारिक सत्य है और एक प्रातिभासिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य क्या है? जो मूल रूप में सत्य है उसका नाम पारमार्थिक सत्य है। जो व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार चलाने के लिए जो सत्य है उसका नाम व्यवहारिक सत्य है। और जो केवल दिखाई देता है, वास्तव में नहीं है, उसको कहते हैं प्रातिभासिक सत्य, आभास मात्र है। समझ लीजिए, एक बार क्या हुआ, एक कोई वृद्ध था, उसको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आने की वजह से उसका शरीर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। अब घर ले गए, घर लेने के बाद क्या हुआ, घर वालों ने कहा आपको किसी से मिलना नहीं है, थोड़े दिन आराम करना है, विश्राम करना है, ऐसा करें तीसरी मंजिल पर आपकी खटिया रख देते हैं, आपको नीचे नहीं आना है, हम किसी को ऊपर नहीं आने देंगे, आप विश्राम करिए। अब विश्राम के लिए खटिया ऊपर रख दी। दूसरे दिन डॉक्टर ने कहा है आपको ज्यादा चलना नहीं है, ज्यादा श्रम नहीं करना है, परिश्रम नहीं उठाना है। दूसरे दिन वो बूढ़ा अंदर से बाहर निकला और गैलरी में टहल रहा था, और टहलते हुए ऊपर से उसने नीचे देखा तो नीचे एक चांदी का सिक्का पड़ा हुआ था। अब चांदी का कॉइन देखा और सिक्को को देख कर बूढ़े के मन में हुआ ये चांदी का सिक्का है, लेकिन ले लेना है। लेकिन डॉक्टर ने मना किया कि आपको ज्यादा चलना नहीं है, अब किसी को बुला भी तो नहीं सकता, बूम तो लगा नहीं सकता, क्या करूं, तो मैं धीरे धीरे नीचे उतरता हूं। और बुड्ढे ने ऊपर से नीचे उतरना शुरू किया, दूसरी मंजिल पर आया, और दूसरी मंजिल पर आने के बाद सोचा शायद और कोई आके ले तो नहीं गया होगा, लाओ देख लूं। फिर से गैलरी में गया और देखा नहीं नहीं अभी पड़ा है, लेकिन पहले छोटा दिखता था, अब तो बड़ा सिक्का दिखता है, ये वो कॉइन नहीं है, ये तो जो गणपति वाले लक्ष्मी वाले आप देते हैं ना दीपावली पर सब लोगों को, वैसा बड़ा कॉइन है, पूजा का कॉइन है। ठीक है, अब फिर प्रथम मंजिल पर आया और उसने देखा ये तो उससे भी बड़ा है, अगर दूरी ज्यादा होती है तो वो छोटा दिखता है, दूरी कम हो जाए तो बड़ा दिखने लगता है। अब वो नीचे आया और जब शेरी में गया, गली में गया, और गली में जाने के बाद उसने वहां पर वो सिक्का उठाया, तब पता चला घीना डब्बा नु ऊपर नु पत्रु कोई ये कोतरी नाख्यू तू वास्तव में सिक्को हतो ज नहीं। अब वो सिक्का था या डिब्बे का पत्ता था, था क्या वो? अगर वो सिक्का नहीं होता तो वो बुड्ढा ऊपर से नीचे क्यों उतरा? जब तक उसको पता नहीं था कि ये लोहे का पतरा है, तब तक वो चांदी का सिक्का मानता था। अब उस बुड्ढे से कहो कि वो चांदी का सिक्का कहाँ गया, अरे था ही नहीं, जाएगा कहाँ, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं था, वो चांदी का सिक्का जो दिखा उसका नाम है प्रातिभासिक सत्य। ये केवल देखने के लिए सत्य है, वास्तव में सत्य नहीं है, वास्तव में तो वो लोहा ही था, लेकिन उसके मन में उसकी संकल्पना निर्माण हुई कि ये चांदी का सिक्का है। जो वेदांत में जो उदाहरण दिया गया है दृष्टांत है, वो सर्प में, सर्प का जो रज्जु में भ्रांति होती है,
जो रज्जु पड़ी है, आप शाम का समय है, निकल रहे हैं कथा में से, और यहाँ बाहर कोई एक डोरी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, और आपको लगता है अरे ये तो सांप है, और आप चिल्लाते हैं सांप सांप सांप, और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई लकड़ी घुमाता है, ची 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 करता है, लेकिन वो सांप वहां से दिखता नहीं है। फिर कोई टॉर्च लेकर आता है और कहता है ये सांप नहीं है, रस्सी है। तो अब तक सांप था या रस्सी थी? जब तक पता नहीं था कि ये सांप है, अरे रस्सी है, तब तक वो सांप था। अगर वो सांप नहीं था तो उसके पास क्यों नहीं गए? इसलिए वो दिखाव मात्र का सांप था, वास्तव में सांप नहीं था। इसी प्रकार इस जगत में प्रातिभासिक सत्य है, ये जो जगत दिखाई देता है वास्तव में जगत है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म की ही अनुभूति होती है। अगर आप इस ब्रह्म को पहचान पाए तो वो पारमार्थिक सत्य है। जब तक वो दिखाई देता है दूसरे स्वरूप में, यहाँ ब्रह्म भी जगत के स्वरूप में दिखाई पड़ता है, तब तक अविद्या है। जब जगत ब्रह्म स्वरूप दिखाई पड़े तब आपका ज्ञान का उदय होता है। जगत भी ब्रह्म के स्वरूप में दिखाई पड़ना चाहिए, इसी को कहते हैं प्रातिभासिक सत्य। व्यवहारिक सत्य क्या है? जो व्यवहार चलाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए ये सोने की अंगूठी है, अब सोने की अंगूठी में सत्य क्या है? सोना सत्य है या अंगूठी सत्य है? क्या कहेंगे आप? अब वास्तव में तो सोना सत्य है, अंगूठी सत्य हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अंगूठी को अगर इसी को सोनी के पास ले जाए और कनुबाई सोनी या हसमुख भाई सोनी को कहें कि इसको आप गाल दीजिए, तो उसको तपाएगा, उसमें से उसका बनाएगा लिक्विड, और फिर उसमें से दूसरा कुछ गहना बना देगा। आप कहिए मंगलसूत्र बनाओ या हार बनाओ या और कुछ बनाओ, तो जैसा आप चाहेंगे वैसा उसमें से बना देगा। तो अब अंगूठी कहां गई? अंगूठी विलीन हो गई। अब सत्य की परिभाषा तो यह है कि जो तीनों काल में बदलता नहीं है, त्रिकाला बाधित है, उसे ही सत्य कहते हैं। जो पहले भी ऐसा ही था, अभी जैसा ही है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा, उसी का नाम सत्य होता है। तो अंगूठी सत्य नहीं है, सुवर्ण सत्य है, लेकिन अंगूठी असत्य भी तो नहीं है। अंगूठी को आप असत्य तो नहीं कह सकते, अंगूठी उसका नाम है। व्यवहार चलाने के लिए अंगूठी बोलना पड़ता है। महाराष्ट्र में एक संत हुए और हमारे यहाँ माधवाचार्य शास्त्री हुए। माधवाचार्य शास्त्री ने यह घटना लिखी है। माधवाचार्य शास्त्री कहते थे मैं उन संत की सेवा कर रहा था। अब वो देव महाराज थे, अब वो संत की सेवा कर रहे थे और एक कोई वैष्णव आचार्य उनसे मिलने के लिए आए, और वैष्णवाचार्य ने कहा कि आप कहते हो कि सोना ही सत्य है, हम तो कहते हैं सोना भी सत्य है और अंगूठी भी सत्य है। तो उन महाराज श्री ने कहा प्रभु आपकी बात शायद सत्य हो सकती है, मैं मान लूंगा, ऐसा करिए मुझे सोना दे दीजिए और आपकी अंगूठी ले जाइए। अब सोना निकाल लोगे तो अंगूठी बचेगी क्या? सोना निकालने के बाद अंगूठी का अस्तित्व रह नहीं सकता, लेकिन व्यवहार चलाने के लिए जो होता है उसको अंगूठी बोला जाता है, सोना नहीं बोला जाता। इसलिए बोलने मात्र का, व्यवहार मात्र का जो सत्य है उसको कहते हैं व्यवहारिक सत्य। वास्तव में सत्य जो है वो सुवर्ण है, लेकिन उससे भी पारमार्थिक सत्य क्या है? सुवर्ण भी जिसमें से पैदा हुआ, मिट्टी भी, अरे जो भी दिखाई मान पूरा जगत है, यम यम दश्यम तत् तत् नश्यम, जितना दिखाई पड़ता है वो सब नाशवंत है, लेकिन वो जिसमें से पैदा हुआ यानी पूरा ब्रह्मांड के कारण जो है वो परमात्मा, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म ही सत्य है। उसके बाद जितनी भी उसकी वृत्तियां हैं, विवर्तवाद तो पूरा बड़ा है और गार्गी जी जैसी विद्वान यहाँ बैठी है तब उसका वर्णन क्या कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम जो मानते हैं तो सत्य क्या है? केवल ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म को छोड़कर और कोई चीज दुनिया में सत्य नहीं है, बाकी सारी चीजें मिथ्या है। और इसी को भगवान शंकराचार्य ने लिखा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसलिए मुक्ति की अगर संभावना है, मुक्ति को अगर चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आत्मज्ञान की ज्योति जलानी पड़ेगी। भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मत्वा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भवति जन्म शतेन भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते भज गौरी
गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते नारिस्तन भर नाविनिवेशं विद्या माया मोहावेशं एतन मौसव सादि विकारं मनसि चारय वारं वारं भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते भज गौरीशं भज गौरीशं भज गौरीशं मंदमते भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते कुरुते गंगा सागर गमनम रक्त परिपालन मत्वा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भवति जन्म शतेन भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि कुरुते गंगा सागर गमनम एक बार नहीं एक हजार बार जाके गंगा सागर में स्नान करो क्योंकि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार अरे लोग एक बार गंगा सागर की अपेक्षा करते हैं आचार्य जी कहते हैं एक बार नहीं हजारों बार स्नान कर लो कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मत्वा दानम कितने भी व्रत कर लो व्रत परिपालन मत्वा दानम कितना भी दान कर लो पूरी पृथ्वी को दान में दे दो तो भी ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भवति जन्म शतेन भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते जब तक ज्ञान का उपार्जन नहीं होगा जब तक ज्ञान का सूर्योदय नहीं होगा जब तक ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी तब तक मुक्ति की संभावना नहीं है लेकिन फिर भी भगवान सदाशिव भोलेनाथ जिसके ही अवतार आचार्य शंकर हैं, वो भोलेनाथ ने ये आपको बताया है कि मेरी मुक्तिपुरी में यहाँ पर वाराणसी में जो शरीर छोड़ता है मैं उसे सायुज्य मुक्ति प्रदान करता हूँ यही भोलेनाथ की कृपा है कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव न होते हुए भी भोलेनाथ ने कहा अगर वाराणसी में आकर शरीर छोड़ दिया तो मुक्ति को आपको कोई बीच में रोक नहीं सकता और इसीलिए यहाँ सायुज्य मुक्ति संभव है न सालोक्य मुक्ति सालोक्य मुक्ति कहते हैं भगवान के लोक में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है कहते हैं सालोक्य मुक्ति सामिप्य मुक्ति भगवान के समीप रहने का जो लाभ मिलता है उसको कहते हैं सामिप्य मुक्ति यहाँ तो सामिप्य भी नहीं सालोक्य भी नहीं साष्टी भी नहीं भगवान के जैसा स्वरूप मिलने के बाद भी अपनी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल हो जाए उसको कहते हैं शास्त्री मुक्ति लेकिन शास्त्री भी नहीं सायुज मुक्ति भगवान शंकराचार्य जिसकी बात करते हैं वो केवल सायुज मुक्ति की बात करते हैं और सायुज मुक्ति प्रदौ सायुज मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान शिव और भगवान विष्णु वही मणिकर्णिका के घाट पर उपस्थित होकर विवाद कर रहे हैं संवाद कर रहे हैं वाद कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कहते हैं तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज मुक्ति प्रदौ ये जो सायुज मुक्ति को प्रदान करने वाले दोनों उपस्थित हैं दोनों बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं सायुज मुक्ति प्रदौ क्या कहते हैं हे प्रभु आप क्या करिए अरे यहाँ पर क्या चीज है जंतु प्रयाणोत्सवे कल जिसकी हम चर्चा कर रहे थे जंतु प्रयाणोत्सवे यहाँ जब जीव शरीर छोड़ रहा है और शरीर में से जैसे ही जीव का प्रयाण हो रहा है उसी समय भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं हमने कल
मृत्यु के बारे में कुछ बातें बताई थी। आपका थोड़ा ज्यादा समय लिया जाए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि समय हो चुका है इसलिए मेरी अचानक दृष्टि गई है। नहीं वो बात नहीं है, सब हारे हैं, थके हैं और कल मणिकर्णिका का महिमा बताया तो आज सब मणिकर्णिका चले गए, इसलिए यहाँ मंडप पूरा खाली था। तो 5 बजे तक तो हम इंतजार करते रहे, फिर पता चला कि ये सब मणिकर्णिका में। मैंने कहा मुक्त वही ना हो जाए, यहाँ वहां जाने के बाद वापस आने की इच्छा होगी, ये अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ आने की इच्छा ना हो ऐसा भी हो सकता। अच्छा हुआ आप सब आ गए, प्रणाम आपको। यहाँ तो बात ये है कि जंतो प्रयाणोत्सव मृत्यु क्या करती है। हमने कुछ मुद्दे कल आपको सुनाए भी थे, कल बताए भी थे। मृत्यु नई तकों का निर्माण करती है, नए चांस देती है, पापी को पाप करने से रोकती है, पुण्यशाली को ज्यादा पुण्य करने का मौका देती है, आपके लिए नए नए मौके प्रदान करती है, अहंकारी का अहंकार ध्वस्त करती है। ये जो साक्षात मृत्यु है, और मृत्यु कोई नहीं साक्षात परमात्मा ही मृत्यु के स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य वंदना करते हैं तब क्या कहते हैं यमराज के लिए, ब्रह्म विद्याचार्यायाम, ये ब्रह्म विद्याचार्य को मैं प्रणाम करता हूं। यमराज को प्रणाम करते तो यमराज कौन है, ब्रह्म विद्या के आचार्य है, ब्रह्म विद्याचार्यायाम, इसे ब्रह्म विद्या के आचार्य को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये जो मृत्यु है आपको क्या और प्रदान कर सकती है, आपको ऋण बंधन से मुक्त कर सकती है, आपके ऊपर जो कर्ज है वो चुकाने का मौका देती है, और यही मृत्यु आपको योनि बदलने का मौका देती है। योनि बदलने का मौका मतलब आप इस जन्म में स्त्री है लेकिन पुरुष के गुण आपके विकसित नहीं हो सकते, और पुरुष है उनमें स्त्री के गुण विकसित नहीं हो सकते। अगर आप चाहे तो इस जन्म में स्त्री से पुरुष या पुरुष से स्त्री संपूर्ण रूप से नहीं हो सकते, लेकिन मृत्यु के उपरांत अगर आपके उन गुणों का विकास करना है तो दूसरे जन्म में स्त्री भी पुरुष हो सकती है और पुरुष भी स्त्री हो सकता है। और इसलिए मृत्यु का यह वरदान है कि इस जन्म में जो आप नहीं कर सकते कैसे भी करके, लेकिन मृत्यु के उपरांत कर सकते हैं। न केवल मनुष्य योनि में, आप अन्य योनियों में भी जा सकते हैं, या अन्य योनि के जो पशु पक्षी हैं वो मनुष्य बनकर आ सकते हैं। यही तो मृत्यु का वरदान है कि आपकी योनि चेंज करने का आपको लाभ मिलता है। आपका जेंडर चेंज हो सकता है, अरे आपका वर्ण चेंज हो सकता है, आपकी जाति चेंज हो सकती है, आपका देश चेंज हो सकता है। जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा फल के अनुरूप आपको जन्म मिलेगा, लेकिन उसका मौका देती है मृत्यु। जो परमात्मा है वो अवतार लेकर आते हैं तो उनमें स्त्री के गुण भी मौजूद रहते हैं, पुरुष के गुण भी मौजूद रहते हैं। भगवान राम सीता के विरह में रोते हैं तब आंखों से जो आंसू सारते हैं और जिस प्रकार से वो विरह की वेदना सहन करते हैं, एक स्त्री का भाव उनमें आविर्भूत होता हुआ आपको नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ खेलते हैं तब स्त्रैण गुणों का विकास उसमें नजर आता है उनमें, और वही भगवान जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होते हैं तो कैसा भी पुरुष हो उनसे भी वो कठोर और वज्र समान बनकर अर्जुन को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों को वो अच्छी तरह निभा सकते हैं, वैसा हम नहीं कर सकते। हमारे में पुरुष में स्त्री के गुण और स्त्री में पुरुष के गुण यथातथ रूप से पूर्ण रूप से नहीं आ सकते। आप ज्यादा प्रयत्न करो तो हो सकता है लेकिन हरेक के लिए संभव नहीं। कितने लोगों तो है क्षेत्र में जो तो पुरुष हो पर चालता हो तो लागे कहा को बेन चाली रहे थे हम, उन्हें चालवानी स्टाइल है जो भी है बराबर नाम पाछा थी जो तो यूं लागे तुमने अब जरा नाम तो क्या बोलते हो जैसे ऊपर घनी बार आऊ लागे आपने। और कई बार गुणों का विकास किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने स्त्री भाव से भगवान की आराधना की, साधना की, तो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस मासिक धर्म में रजस्वाला बनते थे, ऐसा उनकी स्थिति निर्माण हुई। उन्होंने वानर के स्वरूप में भगवान की पूजा की तो उनको पूछ उगाई थी। तो रामकृष्ण परमहंस की बात न्यारी है, वो कर सकते हैं लेकिन हरेक के लिए ये संभव नहीं है। हम नहीं कर सकते, ये कोई कोई ही कर सकता है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन मृत्यु सबके लिए ये कर सकती है जो इस गुण के लिए अनुरूप हो, और यहाँ किसी अन्य गुण के कारण आ गया है तो मृत्यु उसको दूसरे जन्म में ये करने का मौका देती है। और मृत्यु क्या करती है, मृत्यु आपको आत्मा अमर है ऐसा प्रतीत करवाती है। हम भूल जाते हैं कि आत्मा अमर है,
हम भूल जाते हैं, हम तो यही मान बैठते हैं ये शरीर है बस, जो है वो शरीर है, खाओ पियो आनंद करो, चार लाख की तरफ ऋणम कृत्वा घृतम विवेक भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये भस्मीभूत देह फिर से आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम विवेक, आप ऋण करो कर्ज करो और घी पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ। ये तो अच्छा था कि चार्वाक हिंदुस्तान में पैदा हुआ इसलिए ऐसा बोला कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अगर विदेश में हुआ होता तो ऐसा बोलता ऋणम कृत्वा मध्यम पिबेत, तो दारू की बात करता, ये तो यहाँ पैदा हुआ इसलिए कहा घृतम पिबेत। खैर मैं तो ये बात कर रहा हूं कि मृत्यु ये कर सकती है, क्या कर सकती है, आपको मृत्यु एक से दूसरी जगह पर जब भेजती है तो आपके अलग अलग गुणों में से आपको छुटकारा देती है, आपको एहसास करवाती है कि आत्मा अमर है, शरीर वृद्ध हो जाता है और जब अंतिम समय सामने आता है तब लगता है कि शरीर अब काम नहीं कर रहा है, मेरे प्राण खत्म होने को है, मेरी आंखें अब काम नहीं करती, मेरे कान काम नहीं करते, इनमें से कोई साथ चलने वाला नहीं है, और हमने देखा भी है कि कोई साथ नहीं जा सकता। पंडित जी कहता कि कोई जवान हुए तो चिल्ला टाइम एम कहे छे कि भाई जवाना छे ना खिस्सा में 2-5 रुपया मुकी रखो, ऊपर जिन खारी सिंह खावा काम आवशे हो कोई के, वहां जाने के बाद कुछ काम नहीं लगता, यहाँ की कोई चीज आप ले नहीं जा सकते, लेकिन उसको ये प्रतीत होता है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा अमर है, शरीर छूट गया मैं दूसरी जगह शरीर धारण करूंगा, एक जगह से शरीर छोड़कर मैं दूसरी जगह जा सकता हूं, ये हर जन्म में उसको प्रतीत होता है कि आत्मा अमर है और वो मृत्यु के समय में होता है, उससे पहले नहीं होता। तो आत्मा के अमरत्व का ख्याल कोई अगर आपको देता है तो वो मृत्यु दे सकती है और कोई दे नहीं सकता, इसलिए मृत्यु के हम आभारी हैं, मृत्यु का हमारे ऊपर उपकार है कि हम मृत्यु के कारण ऐसा का वैसा चेंज कर सकते हैं। अरे मृत्यु के कारण हम अपनी जो जीवन की घरेड़ होती है, जो परिपाटी होती है, उससे मुक्त हो सकते हैं। एक ही शरीर को ढो ढोकर ढो ढोकर ढो ढोकर 50 साल 60 साल 70 साल 90 साल 100 साल अब शरीर काम नहीं कर रहा है, अब तो घना तो यू लगे हे भगवान हमें तो मौत आपे तो सारू, घना प्रार्थना करता हूं मौत नहीं आओ, हमारे त्या डोशी मा यू करता रोज, हमें तो भगवान मौत आपे तो हालू, हमें तो ठाकुर जी उठाई ले तो सारू। एक दिवस एमने कहवानू तुम ठाकुर जी सांभी लीधु, અને જેવું ઠાકોરજીએ સાંભળ્યું એટલે મોત અહીં સામે ઉભું થયું, મોતે બે હાથ જોડીને પ્રણામ કર્યા, જય શ્રી કૃષ્ણ માજી, એટલે માજીએ કીધું જય શ્રી કૃષ્ણ મેં તમને ઓળખ્યા નહીં તમે કોણ, તો કે હાલ તો તમે કીધું કે મોત આવે તો સારું હું જ મોત, પણ મેં તમને એટલા માટે નથી બોલાયા તો, એટલે મારે મરવું નથી તો તમે મને યાદ કેમ કર્યું, એ તો કહો આ મારો ખાટલો બહાર લઈ જવું, કોઈ ઉપડાવનાર નતો ને તમે જરા ઉપડાવો તો ખાટલો બહાર લઈ જવું, મોત માંગવું અલગ વાત છે, મોત સામે આવે તો ગમે તેવાનો પરસેવો છૂટી જાય, ઝાડો પેશાબ એક સાથે બધું આગે છે ગીલા પીછે છે પીલા, મૃત્યુ જયારે સામે આવે છે તો ગમે તેવાના હાજા ગગડી જાય છે, મૃત્યુ કોઈ સામાન્ય ચીજ નહીં હે, લેકિન જો અપને આપ જીવન મે આત્મા કે અમરત્વ કા ખ્યાલ બાંધ દેતા હે, જિસકો પતા ચલ જાતા હે કે આત્મા હી અમર હે, મેં આત્મા હું, મેરા દેહ સે કુછ લેના દેના નહીં હે, દેહ પૃથક હે મેં પૃથક હું, ઇસકા જિસકો परिपूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है उसके लिए मृत्यु वरदान साबित हो जाता है और वो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। अरे प्रतीक्षा क्या, मृत्यु मेरे लिए उत्सव है, मांगलिक उत्सव, जैसे हम घर में बेटी का ब्याह करते हैं, बेटे का ब्याह करते हैं, यज्ञोपवीत करते हैं, घर में कई प्रकार के उत्सव करते हैं, वैसे मृत्यु भी एक उत्सव है, ये कोई साधारण चीज नहीं है, मृत्यु के उत्सव को हम मनाएं अगर ऐसी शिक्षा प्रदान करे, और इसीलिए केवल हिंदुस्तान में ये हो सकता है कि लोग मरने के लिए काशी में आते हैं, वो और भूमि में नहीं हो सकता, केवल भारत भूमि में हो सकता है कि हम मरण की प्रतीक्षा करेंगे और मरेंगे, और क्या मरेंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में
जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। मंगल उत्सव मरण उत्सव एनुज बने, जेने अंतिम समय मरता मरता रामनू नाम मोढ़ामा आवे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, रामनू नाम मोढ़ामा आवे अने एज वक्ते प्राण छूटे, अने राम बोलता बोलता प्राण छूटे, पछी यमनी ताकत नथी के तमने हाथ लगाड़ी सके। भगवाने गीता मा वचन आप्यु, भगवान आठवा अध्याय मा स्पष्ट शब्दों मा कहे छे, यावन भगवान का नाम लेकर अंत समय में जिसके प्राण छूटते हैं, अंत काले च मामैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में मेरा नाम लेकर जो शरीर छोड़ता है मैं उसको सदगति प्रदान करता हूँ, मैं उसको मुक्ति प्रदान करता हूँ। भगवान के नाम में वो ताकत है, राम और श्याम जहाँ पर हो वहाँ यम आ नहीं सकते, जहाँ पर आपके सामने वासुदेव हो वहाँ वासनाएं आ नहीं सकती, वासुदेव की उपासना करने वाले को वासनाएं कभी पीड़ित नहीं कर सकती। हमने आगे भी बताया कि ये पांच पांच इंद्रियां ये सब वासना ही तो है, ये वासनाएं हमको पीड़ित करती है। हमारे गुजरात में पुनीत महाराज थया, अने पुनीत महाराज तो कहता कि आपड़े केम खाड़ा में पड़ी है, क्या लूली वशमा नथी ने, એટલે જીભ માટે એમણે બહુ શબ્દ સરસ શબ્દ વાપરે લૂલી। આ પુનીત મહારાજ નો આપણે આ પુરુત મહારાજ ના ભત્રીજા અહીંયા છે પંકજભાઈ આચાર્ય, એ પણ કથામાં છે, અહીંયા સંબંધિત છે, પણ પુનીત મહારાજે બહુ સરસ શબ્દ આપ્યો લૂલી, આ લૂલી ને વશમાં રાખો ભાઈ, લૂલી ને વશમાં રાખો, એમણે બહુ સરસ ભજન પણ લખ્યું। ये लूली मतलब ये जो जिह्वा है ये अगर वश में हो जाए तो दो काम हो सकते हैं, टेस्ट और बोलने पर कंट्रोल दोनों जीभ से होते हैं। ये सब इंद्रियों में जीभ ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, और इसी जीभ से अगर राम का नाम निकल जाता है तो क्या चीज होती है, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा प्राण जब इस शरीर से निकल रहा हो तब क्या होना चाहिए, मुख में गंगा जल हो, मेरे मुंह में गंगा जल की मैं कामना करता हूँ। अगर गंगा का एक बिंदु भी मरते मरते प्राणी के मुंह में जाए तो उसको कोई दुर्गति नहीं दे सकता, धन्य हो जाता है जीवन भी मृत्यु भी मुक्ति भी। इसलिए वो भी यही कहते हैं, यमुना जी का जल हो या गंगा जी का जल हो और मेरा सांवरा निकट हो, भगवान मेरे सामने हो, और ऐसी मृत्यु किसकी हुई, पितामह भीष्म की हुई। पितामह भीष्म बाण सैया पर सोए हुए हैं और भगवान सामने खड़े हो गए, भगवान ने दर्शन दिए और पितामह ने भगवान के सामने ही अपने शरीर छोड़ा भगवान को प्रणाम करते हुए। कैसी दिव्य आत्मा रही होगी, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, 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 अंत काल राम आवत नाही, अंत काल राम आवत नाही। मुनि लोग करोड़ों करोड़ों बार ये प्रयत्न करते हुए भी अंत काल में राम जी का नाम अगर मुंह से निकले ये तो बहुत असंभव जैसी बात होती है, लेकिन जिसने जीवन भर राम की महिमा का गान किया होगा, राम का स्मरण किया होगा, राम का नाम लिया होगा, उसी को राम नाम अंत में मुंह में से निकलेगा, बाकी के मुंह में से नहीं निकल सकता। इसलिए हर रोज
सुबह से शाम दरेक काम हरेक काम करते हुए करता जईशु घरनु काम लेता जईशु हरिनु नाम करता जईशु घरनु काम लेता जईशु हरिनु नाम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रात्रे निद्रा दिवसे काम प्यारे भज शो श्री भगवान रात्रे निद्रा दिवसे काम प्यारे भज शो सीता राम करता जाइए घरनु काम लेता जाइए हरिनु नाम करता जाइए घरनु काम लेता रहिए हरिनु नाम। इसीलिए भगवान के नाम का स्मरण करते करते शरीर छूटना चाहिए। यहाँ भगवान जैसे ही तट पर खड़े हैं और मणिकर्णिका के तट पर भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की, ये जो जंतु यहाँ से निकल रहा है, ये जो जीव जा रहा है, हे प्रभु मदरूपो मनुजो यमस्तु हरिणा, प्रभु उसे मेरा स्वरूप प्रदान करिए, मेरे जैसा उसको बना दीजिए। और जैसा ही विष्णु ने कहा तत्क्षणा उसी क्षण क्या घटना हुई, वो जीव जो मर गया था उसके शरीर में से जो गंगा जल के अंदर से मणिकर्णिका के अंदर से एक पुरुष बाहर आया, वही जीव जो मर गया था, आप जिसको मर गया हम बोलते हैं वो, और जो मरा था वही स्वरूप बदल कर अंदर से बाहर निकला। और कैसा था, भृगुलांचनो गरुड़गह पीतांबरो निर्गतः, जिसके शरीर पर भृगु ऋषि का चिन्ह है, जो गरुड़ पर विराजमान है, जिसने पीतांबर धारण किया है, साक्षात विष्णु के सदृश दिखाई देता है। जैसे भगवान विष्णु सामने से आ रहे हो ऐसा ही विष्णु स्वरूप बनकर वो मणिकर्णिका में से बाहर आया। यही तो मणिकर्णिका की महिमा है, यही और शिव जी और विष्णु का प्रसाद है कि भगवान वहां पर उपस्थित रहकर मरते हुए जीव के लिए विष्णु भगवान प्रार्थना करते हैं शंकर से, प्रभु ये देह यहाँ पर छोड़ रहा है वाराणसी में विश्वनाथ की नगरी में मणिकर्णिका के तट पर, प्रभु आप इसको मेरा स्वरूप प्रदान करिए, और वो विष्णु स्वरूप बन जाता है। यहीं हम श्लोक प्रथम श्लोक का प्रथम पुष्प वैसे भगवान शंकराचार्य के श्री चरणों में समापन करके यहाँ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए शंकराचार्य भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, ओम नमः पार्वती वदे हर देव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर धांगी धारा ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरा नन पंचानन राज शिव पंचानन हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन भुजवाहन काजे, ओम हर मोहे ओम हर 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 महादेव। Yeah.
नारायण भगवान की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का गौ माता की गंगे मैया की काशी विश्वनाथ महादेव की पूज्य दीदी अने पूज्य किशोर दीदी बाबा नमाने राम भाई साईं ने दिशा मित्रमूलम गौरवाक्यम मोक्षमूलम आय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो अखंडम मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम। कानूडू माखण ने बदले हमें बर्गर मांगतो थयो छे। कृष्ण अने सुदामा फेसबुक फ्रेंड बन्या छे। मोर मुकुट ने बदले डिजाइनर टोपी कृष्ण माटे नी कंईक वात करे तो केवी करे के सात आठ सिम कार्ड लावीने राख्या छे। श्याम तारे क्यानू कवरेज, मारे कहेवानू छे केवल एज के एक पण मैसेज नो रिप्लाय ना आवे, एक पण मैसेज नो रिप्लाय ना आवे, मारे एकलीय एसएमएस करवा, एक पण मैसेज नो रिप्लाय ना आवे, मारे एकलीय एसएमएस करवा, सेल बधा मथुरानी घड़ियाळना काढीने, सेल बधी मथुराना घड़ियाळना काढीने आ बाजु आवो ने फरवा। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महंतं गोविंद योगिन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिर्पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। Narayan, 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 Naray
पार्वती वदे हर हर महादेव हर। स्तोत्र दिख रहा है सबको या है पुस्तक आपके पास? हाँ, बहुत सारे लोग लेके आए हैं, कोई बात नहीं, दोहराने का प्रयास करें सभी। स्वस्ती रे मणिकर्णिके हरिहरो सायुज्य मुक्ति प्रदौ। स्वस्ती रे मणिकर्णिके हरिहरो सायुज्य मुक्ति प्रदौ। नारायण भगवान की जय। पार्वती वदे हर हर महादेव हर। मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्य मुक्ति प्रदौ। वादन्तौ कुरुतः परस्परमुभौ जन्तु प्रयाणोत्सवे। मदरूपो मनुजो यमस्तु हरिणा प्रोक्तः शिवस्तत्क्षणात्। तन्मध्य भृगुलं च नो गरुडग पीतांबरो निर्गत। प्रथम श्लोक पर हम विचार कर रहे थे, तन्मध्यात् भृगुलांचनो गरुड़गः पीतांबरो निर्गत। देखिए मणिकर्णिका का ये महत्व है। परसों ही हमने मणिकर्णिका का महत्व बताया और कल सबके सब मणिकर्णिका चले गए, और अच्छा किया आप गए तो कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन किसी ने आके पूछा कि मणिकर्णिका का महत्व तो है लेकिन मध्यान्ह में ही क्यों करें? क्योंकि यहां तो ऐसा आया है मध्यान्ह मणिकर्णिका स्नपनजम। जो मध्यान्ह में मणिकर्णिका में स्नान करता है उसको इतना अधिक फल मिलता है। स्नान कभी भी करो उसका फल तो मिलता ही है, लेकिन मध्यान्ह में करने का फल विशेष है। देखिए दुनिया में जितने तीर्थ हैं, आप तीर्थ स्थानों में जाते हैं अपने पाप धोकर आते हैं, सभी तीर्थ पाप का क्षय करते हैं। लेकिन ये सारे जितने तीर्थ हैं वो सारे के सारे तीर्थ यहाँ पर आने वाले लोगों को पापों को एकत्रित करके कहाँ डालते हैं? उनको भी तो अपने आप को पवित्र करना पड़ता है, और इसलिए दुनिया भर के जितने तीर्थ हैं वे सारे के सारे तीर्थ हर रोज प्रतिदिन मध्याह्न के समय में मणिकर्णिका में स्नान करने के लिए आते हैं। दुनिया के सारे तीर्थ जब मध्याह्न में मणिकर्णिका में स्नान करने के लिए आते हैं, उसी वक्त भगवान शंकर उमा के साथ वहां स्नान करने के लिए मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान हरि भी विष्णु भी लक्ष्मी के साथ मणिकर्णिका में स्नान के लिए उसी समय आते हैं। मध्याह्न के समय ही सारे नाग वहां पर स्नान के लिए आते हैं। भगवान ब्रह्मा भी ब्रह्माणि के साथ स्नान के लिए मध्याह्न में प्रतिदिन मणिकर्णिका में आते हैं। जब इतने सारे देवता इतने सारे तीर्थ सारे के सारे एक साथ स्नान करते हो और उस देवताओं के साथ स्नान करने का आपका सौभाग्य कितना बड़ा हो जाएगा, इसलिए मध्याह्न में मणिकर्णिका का स्नान करें। और ये बात स्कंद पुराण ने भी लिखी और यहाँ भगवान शंकराचार्य ने भी लिखी। मध्याह्ने मणिकर्णिका स्तपनजम्। इसलिए मध्याह्न में मणिकर्णिका के स्नान का महत्व है। मणिकर्णिका के घाट पर वैसे तो पूरे काशी क्षेत्र में भगवान शंकर मरने वाले के कानों में कर्ण कुहर में तारक मंत्र प्रदान करते हैं। ये तारक मंत्र कौन सा है? परसों ही आपको कथा में शायद बताया गया था कि राम नाम का मंत्र भगवान देते हैं। देखिए राम नाम के उच्चारण का बहुत महत्व है। राम शब्द ही ऐसा है, देखिए पंडित जी बहुत सुंदर तरह से समझाते थे कि राम शब्द कैसा है। राकार उच्चार मात्रेण मुखम निर्याति पातकम। आप रा बोलते हैं तो आपका मुख खुल जाता है,
ट्राई करके देखिए जरा बैठे बैठे। हाँ, या तो फिर रूम में जाके अकेले हो तब करना। रा बोलो तो मुंह खुल जाता है, और मुंह खुलने से क्या होता है, अंदर जितने पाप भरे हैं सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। राकार उच्चार मात्रेण मुखम निर्याति पातकम, और बाहर निकले हुए पाप फिर से अंदर न घुस जाए। पुनः प्रवेश संदेह मकारस्तक कपाटवत, म बोलो और मुंह फिट हो जाता है, बंद हो जाता है। जरा ट्राई करिए, म बोलिए मुंह खुला रखिए। हाँ, अकेले अकेले करिए, हाथ आगे रख के करिए, कोई देखता हो तो। म बोलने से कपाट की तरह मुंह बंद होता है, क्यों, कि जो बाहर निकले हुए पाप हैं वो फिर से अंदर न घुस जाए। एक भाई खड़ा हो गया, शास्त्री जी ठहरो ठहरो। मैंने कहा क्या हुआ भैया? बोले उल्टा भी तो हो सकता है। मैंने कहा उल्टा यानी? बोले रा बोलो मुंह खुलेगा सारे पाप अंदर घुस जाएंगे, फिर म बोलो तो फिर बाहर निकलने का सवाल ही नहीं। लोगों का लॉजिक तो बहुत पावरफुल है, तर्क भी इतना सुंदर देते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता, ये अशास्त्रीय अवैज्ञानिक इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि पाप बाहर नहीं है, पाप हमारे अंदर है, भीतर है। बाहर की चीजें तो पाप को प्रकट होने की प्रेरणा देती है। आप जैसे किसी मिठाई की दुकान के सामने खड़े हो गए, अब उसके अंदर आप देख रहे हैं लाडू है, पेंडे हैं, मोहनथाल है, जो जितनी भी मिठाइयां हैं, गुलाब जामुन है, जलेबी है, बूंदी है, सारी की सारी मिठाइयां रखी हुई है, रसमलाई है, काशी की प्रसिद्ध रबड़ी भी उसमें रखी हुई है, बासुंदी रखी हुई है, अंगूरी रखी हुई है, सारी की सारी चीजें देखकर आपके मुंह के अंदर एक पानी आता है, लाड़ आती है। अब जरा कहिए, वो जो आपके मुंह में पानी आया वो क्या मिठाई वाले ने भेजा? पानी कहां से आया? पानी अंदर से आया और मिठाई बाहर है। जैसे बाहर की मिठाई को देखकर अंदर पानी आता है, उसी तरह बाहर की चीजों को देखकर पाप भीतर प्रकट होता है। पाप बाहर नहीं है, बाहर की चीजें तो पाप को प्रकट होने की प्रेरणा देती है। अंदर ही पाप है, इसलिए पाप बाहर नहीं है तो पाप अंदर से बाहर निकलना चाहिए। तो दूसरा आदमी खड़ा हो गया, बोले इतने सारे लोग आपकी कथा में आते हैं, सारे के सारे अगर पाप बाहर निकालेंगे, एक साथ इतना पाप निकलेगा तो जाएगा कहाँ? मैंने कहा हम जब राम नाम का कीर्तन करवाते हैं, कीर्तन करके चुपचाप बैठता है, राम राम नहीं बोलता, उसके कानों में से सर्र अंदर घुस जाएगा, फिर बाहर निकलने का सवाल ही नहीं। इसलिए जब कीर्तन चलता हो तो चुपचाप मत बैठो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये राम जी का नाम बहुत पवित्र है, और भगवान भोलेनाथ तो अहर्निश राम जी के नाम का जप करते हैं, और यही मंत्र तारक मंत्र के रूप में जीवों को प्रदान करते हैं। ये स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं तारक मंत्र देता हूँ। ऐसा जाना जाता है और माना जाता है कि काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका जो राइट साइड का, ये दाहिने साइड का जो कर्ण है वो स्वयं ऊपर हो जाता है, या फिर वो मरता है तो एक तरफ मरता है यानी लेफ्ट साइड में वो पड़ा रहता है, और ये दाहिना कान ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि इस कान से, दक्षिण कर्ण से भगवान उसको ऊपर करके राम नाम का मंत्र फूंकते हैं, और इसलिए काशी में मरने वाले का ये कान अपने आप ऊपर हो जाता है, क्योंकि भगवान शंकर उसको पकड़ते हैं, खींचते हैं, क्योंकि जिंदगी भर तो तू सीधा नहीं रहा, अब राम नाम सुन। मानव मात्र को कभी ना कभी कुछ न कुछ पीड़ाएं होती रहती है, लेकिन राम जी का नाम ऐसा है कि सब पीड़ाओं से मुक्त कर सकता है, और इसीलिए भगवान राम नाम का मंत्र जपते हैं। राम एक तापस तिय तारी, 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 नाम कोटि खल तुमति सुधारी, नाम कोटि खल तुमति सुधारी। राम जी ने तो केवल एक ही पतित अहल्या का उद्धार किया। राम एक तापस तिय तारी, सुबह ही गौतम की कथा चल रही थी तो अहल्या को भगवान ने तार दिया, मतलब भगवान के चरण की रज के कारण अहल्या शिला में से उत्पन्न हुई। तो राम ने तो एक ही पतित अहल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने
करोड़ों हल्ला जैसे हमारे लोगों को पवित्र कर दिया। राम एक तापस प्रिय तारी, राम एक तापस प्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, कहां लगी करुणाम बढ़ाई, कहां लगी करुणाम बढ़ाई, कहां लगी करुणाम बढ़ाई, कहां लगी करुणाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई, रामन सकई नाम गुण गाई। अरे हमारे तुलसीदास तो लिखते हैं कि स्वयं राम जी स्वयं आ जाए और अपने मुख से राम नाम का कितना प्रभाव है कहने लगे, तो राम भी राम नाम का महिमा नहीं कह सकते, इतना राम नाम का महिमा है, राम से भी राम का नाम बड़ा है। कि रामन रामन सक ही नाम गुण गाई, रामन सक ही नाम गुण गाई, राम जी स्वयं भी नाम का गुणगान नहीं कर सकते, इतना बड़ा राम का नाम है। क्यों? क्योंकि हमारे महर्षि वाल्मीकि हुए, और वाल्मीकि तो कथा ऐसी है कि वाल्मीकि राम राम नहीं बोलते थे, उल्टा बोलते थे, क्या बोलते थे, मरा मरा बोलते थे, और मरा मरा बोले तो भी उसका प्रभाव हुआ। उल्टा नाम जपत जग जाना, 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 वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम का मरा मरा बोलते हुए भी वाल्मीकि का उद्धार हो गया। ये राम का नाम इतना पुण्यकारी है। राम नाम कैसा है कि राम नाम एक सुंदर करतारी, एक ताली बजाते हो आप, और ताली बजाते ही क्या होता है कि जो पक्षी है वो उड़ने लगते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी, संशय विहग उड़ाव निहारी, संशय विहग उड़ाव निहारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम जी का नाम जपने से, राम की कथा सुनने से जो संशय रूपी जो हमारे अंदर पड़ी हुई पक्षी है वो सारे की सारी शंकाएं दूर हो जाती है, निर्मूल हो जाती है, ऐसा राम जी के नाम का प्रभाव है। और इसी कारण भगवान ने गीता में कहा यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, मैं विभूति हूँ। कितने भी यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, सारे यज्ञ है, लेकिन जप यज्ञ परमात्मा की विभूति है। जो जप करते हो, चाहे राम नाम का करो, चाहे कृष्ण नाम का करो, चाहे शिव नाम का करो, चाहे दुर्गा के नाम का करो, चाहे गणेश के नाम का करो, आपको बताया गया था कि हमारे यहाँ 6 प्रकार की पूजा होती है। एक तो ये पंचायतन देव है और एक निर्गुण निराकार है, इन 6 की पूजा हमारे यहाँ मान्य है। लेकिन आजकल हम भगवान का नाम छोड़कर अरे गहरे के नाद में पड़े हैं और इसी कारण से दुर्गति को प्राप्त करते जा रहे हैं। आजकल लोग भगवान का नाम नहीं लेते, गुरु का नाम लेते हैं। आप गुरु का स्मरण कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते। आप किसी संत के नाम का स्मरण कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते। जप करेंगे तो भी उसका फल नहीं मिलेगा। राम 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 बोलेंगे तो उसका फल मिलेगा, वो भूल से बोलेंगे तो भी मिलेगा। लेकिन अगर आप राम का नाम नहीं लेते और साईं बाबा का जप करते हैं तो उसका फल नहीं मिलने वाला। चाहे साईं साईं का जप करो, चाहे कोका कोला का जप करो, दोनों का परिणाम एक सरीखा है। आप कोका कोला बोल के माला फिर घुमाओ तो क्या उसका क्या फल मिलेगा? आप निर्मा निर्मा बोलो, सनलाइट सनलाइट बोलो, लक्स लक्स बोलो, ब्यूटी पार्लर ब्यूटी पार्लर, उसका कोई परिणाम होता है क्या? उसका कोई फल नहीं मिलता। वैसे साईं बाबा बोलने से उसका फल नहीं मिलता। साईं बाबा ही नहीं, किसी भी संत के नाम की माला घुमानी नहीं है। अगर आपको जप करना है तो परमात्मा के नाम का ही करना है। पंडित जी बहुत सरस बात करी, सत्कार पूजन अने स्मरण, सत्कार पूजन अने स्मरण एक कोना था है? साधु संत विद्वान ब्राह्मण ऋषि आचार्य आ लोकोना सत्कार पूजन ने स्मरण तो थई सके, पण जप ने ध्यान परमात्मा नूज थाय।
जकार साथे परमात्मा का ही होना चाहिए। ध्यान करना है तो भी परमात्मा का, और जप करना है तो भी परमात्मा का। और किसी का जप नहीं किया जा सकता, और किसी का ध्यान नहीं किया जा सकता। आपके गुरु कितने भी बड़े हैं तो आप परमात्मा की पूजा में बैठे तो पहले गुरु का पूजन कर सकते हैं, गुरु का स्मरण कर सकते हैं, गुरु को प्रणाम करके बाद में परमात्मा को प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन गुरु के नाम का जप नहीं कर सकते। जप करना है तो केवल परमात्मा के नाम का ही हो सकता है। और जैसे रूप में परमात्मा की भक्ति करोगे, परमात्मा वैसे रूप में आपको प्राप्त होगा। राम नाम का प्रभाव कैसा है, हमारे यहाँ काग रामायण है गुजराती में, दुला भाया काग करके कवि काग हुए, और काग रामायण में कवि काग ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है, गुजराती में लिखा है लेकिन बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है। प्रसंग ऐसा है कि एक बार जब भगवान राम लंका के मैदान में गए, रावण को मार डाला, मारने के बाद भगवान लंका में रुके हुए थे, सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, और उसी समय रात को भगवान के दिमाग में एक विचार आया। भगवान सोचने लगे, ये लोग कहते हैं कि राम राम पत्थरों पर लिख दिया और पत्थर सारे पानी में डाल दिए गए और समुद्र की पर सेतु बन गया, क्या राम नाम लिखने से पत्थर तैर सकते हैं? और किसी को शंका होती तो ठीक, ये तो राम जी को खुद को शंका हुई। अब राम जी के मन में शंका हुई तो आधी रात को राम जी एकदम खड़े हो गए कि कुल रावण तनो नाश की धा पछी एक दी राम ने वैम आव्यो, के कुल रावण तनो नाश की धा पछी एक दी राम ने वैम आव्यो, के रामना नाम थी पत्थर तरता थया आप दो ढोंग कोणे चलायो। ये ढोंग किसने चलाया है? ऐसा हो तो नहीं सकता कि कुल रावण तनो नाश की धा पछी एक दी राम ने वैम आव्यो, कि मुझ तना नाम थी पत्थर तरता थया आप दो ढोंग कोणे चलाव्यो, एम विचारीने आप उभा थया कोई ने नववळी साथ लाव्या। ऐसा सोचकर आधी रात को राम जी खड़े हो गए, देखा सब सो रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, और भगवान खड़े हुए कि कुल रावण तनो नाश की धा पछी एक दी राम ने वैम आव्यो, कि मुझ तना नाम थी पत्थर तरता थया आप दो ढोंग कोणे चलाव्यो, कि एम विचारी ने आप उभा थया कोई ने नववळी साथ लाव्या, कि सर्वती छुपता छुपता राम जी एकला उदधीने तीर आव्या। सबसे छुपते 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 राम जी समुद्र के तट पर आए, कि सर्वती छुपता छुपता राम जी एकला उदधीने तीर आव्या, कि हाथ मा कांकरी एक लीधी भरी राम जी चहुदिश नजर करता, और एक छोटी सी कंकर उठाई, बड़ा पत्थर लू और फेंको और शायद डूब जाए तो पहले छोटे पर ट्राई कर लूं, फिर बड़े पर ट्राई करेंगे, तो पहले एक छोटी सी कंकर ली, और छोटा सा कंकर लिया भगवान ने, और फिर चारों ओर देखा कोई देख तो नहीं रहा है, शायद किसी ने देख लिया तो तकलीफ हो जाएगी, कि हाथ मा काकरी एक ली धी वाली चौतरफ राम जी नजर करता, और चारों तरफ राम जी ने नजर की, कोई किसी ने देखा नहीं है, और फिर राम जी ने वैसे ही वैसे कंकर को छोड़ा फेंका, और जैसे ही कंकर को फेंका तो घटना क्या हुई, वो पत्थर तैरानी पत्थर डूब गया, कि नाखता काकरी तुरंत तलिए गई जाने कोई ये होय लूटिया, और राम जी की दशा ऐसी हुई किसी ने लूट लिया हो, अरे ये क्या हुआ, मैंने हाथ से अपने हाथ से पत्थर फेंका वो भी डूब गया, और लोग तो कहते हैं मेरे नाम से पत्थर तैर गए, ये सच कैसे हो सकता है। और जैसे ही कंकर फेंका वो डूब गया, कि नाखता काकरी तुरंत तलिए गई जाने कोई ये होय लूटिया, અને શું થયું, એ જ વખતે હનુમાનજી આમ પાછળથી પ્રગટ થયા, અને હનુમાનજી ત્યાં આવ્યા, અને હનુમાનજી સીધા રામજીના ચરણમાં ગયા, અને રામજીને પગે લાગ્યા, કે ચરણમાં જઈ કપિરાજ એવું કહે નાથજી આ મતી કેમ આવી। ચરણમાં જઈને ભગવાન હનુમાનજીએ પ્રણામ કર્યા, અને હનુમાનજી બોલે લાગે પ્રભુ આપકો યે કૈસે બુદ્ધિ સૂજી, આપ યે ક્યા કર રહે હૈ, કે ચરણમાં જઈ કપિરાજ એવું કહે કે નાથજી આ મતી કેમ આવી। રામજી કીધું હનુમાન તું જાણતો તો, મને તો ખબર જ નહીં, મેં તો જોયું ચારે બાજુ કોઈ હતું નહીં। અને હનુમાનજી કીધું પ્રભુ દાસ ઊંઘીરે કરો, આ તો વેરીના વતનમાં રામનો દાસ વળી રામને એકલા કેમ મૂકે, આ તો ભલે રાવણ મરી ગયો છે પણ દુશ્મન એનો કોઈ બેઠો હોય, એનો કોઈ ભાઈ ભાંડુ કોઈ અનુચર કોઈ એનો દાસ કોઈ જાગતો હોય, તમારી ઉપર હુમલો કરે તો, કે વેરીના વતનમાં રામનો દાસ વળી રામને એકલા કેમ મૂકે, હું તો જાગતો જ, હું ઊંઘું તો સંભવ નથી ભગવાન, અને તમે છૂપતા છૂપતા જતા, હું તમારી પાછળ પાછળ છૂપતો છૂપતો આવતો હતો, મને ખબર નથી કે આ કાક કરવાના છે, અને એટલે જ હું આવ્યો છું। અને હનુમાનજી ત્યાં ગયા, હનુમાનજી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રણામ થયા, કે ચરણમાં જઈ કપિરાજ એવું કહે નાથજી આ મતી કેમ આવી, પ્રભુ આવું કેમ સુજ્યું। રામે કીધું મારે ટ્રાય કરવો તો, મુજે દેખના થા કે રામ નામ સે પથ્થર તૈરતે હૈ, મેં શાયદ અપને હાથ સે ફેંકું તરતા હૈ કે નહીં તૈરતા હૈ, ઓર યે તો તરતા નહીં હૈ। તબ હનુમાનજી ને કહા પ્રભુ આપ જેને તરછોડશો એને પછીથી ત્રિલોકમાં કોણ તારે, તમારા નામથી તરે પણ તમે જ જેને ધક્કો મારો એને કોઈ તારનાર હોય ખરું,
આ તો તમે જાતે બાપડાને પથ્થરને ધક્કો માર્યો, હવે એને દુનિયામાં કોઈ તારી શકતું નથી, તમારા નામથી તરી શકાય, પણ તમે જેને તરછોડશો એને પછી તિત્રલોકમાં કોણ તારે, પછી એને કોઈ તારવા વાળું નથી. इसलिए राम से भी राम का नाम बड़ा है. राम का तो राम तो स्वयं बड़े हैं ही हैं, लेकिन राम का नाम तो राम से भी बड़ा है. अगर आपकी श्रद्धा हो तो राम जी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं. अभी अभी मैं आ रहे थे जंगल में, जाते हुए उन्होंने देखा एक सन्यासी जा रहा है, लेकिन वो अंग्रेज है, चमड़ी से पहचान ले, और उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज और सन्यासी ऐसा कैसे हो सकता है. वो दौड़े और उसको पकड़ा, खड़ा खड़े रहो खड़े रहो. वो हिंदी जानता और उन्होंने हिंदी में उससे बात की. बोले आप तो अंग्रेज लगते हैं. बोले हाँ बिल्कुल मैं अंग्रेज हूँ. और आप सन्यासी, ये कैसे हो सकता है, आपने भगवे वस्त्र धारण कीजिए, क्या बात है, कुछ आप मुझे बताएंगे. और इतना कहते ही वो अंग्रेज रोने लगा, उनकी आंखों से अनराधार आंसू की धार हुई, और जैसे ही वो आंसू की धाराएं चलने लगी, उन्होंने उनको बिठाया, पास बिठा के पूछा आप जरा कुछ मुझे बताइए, आप ऐसे ही रोते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा. बोले ऐसा नहीं है महाराज, कोई मुझे अगर ये घटना पूछता है तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाते. बोले हुआ क्या था जरा बताओ. बोले मैं इंग्लैंड से यहाँ पर ये बांध का काम चल रहा है ना, ये बांध के काम का इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर का काम करने के लिए यहाँ आया था. वो इंजीनियर था और मैं इंग्लैंड से यहाँ आया, बांध के काम का देख रेख मैं कर रहा था. बात ऐसी हुई कि यहाँ पर बारिश हुई, और बारिश इतनी भयंकर तेज बारिश हुई, इतनी बाढ़ आई कि मुझे लगा कि ये बांध टूट जाएगा. अभी बांध तो बन रहा है, थोड़ा सा काम बाकी है, और इतने में इतनी भारी बारिश तो ये बांध टूट जाएगा. देखिए भयंकर बारिश का क्या परिणाम होता है, 2013 में हमने देखा है, यहाँ पर भी केदारनाथ की घटना घटी, और यहाँ आज एक संत मुझे मिले, शायद वहीं अंदर बैठे हुए हैं कुटीर में अंदर, वो बह गए थे और मिलिट्री वालों ने उनको बचा के लाया, वो बच के आए हैं, तो उनका तो पुनर्जन्म हुआ. तो इन्होंने कहा कि इतनी भयंकर बारिश हुई और मैं कांप गया कि अगर ये बांध टूट गया तो बांध तो टूटेगा ही, मेरी इज्जत और मेरी सरकार की इज्जत, मेरे देश की इज्जत धूल धूसरित हो जाएगी. कि इतना कैसा काम किया, ऐसा कैसा काम किया कि ये बांध टूट गया, कई लोग मर जाएंगे और मेरा नाम तो होगा ही होगा कलंकित, मेरे देश का नाम, मेरी सरकार का नाम, दोनों भी मेरे साथ साथ कलंकित हो जाएंगे. तनख्वाह की बात नहीं, पैसे की बात नहीं, मेरा पूरा जो जीवन है यहाँ समाप्त हो जाएगा. मैं बहुत चिंतित था. एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन हुए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, और मैं प्रतिक्षण ये सोच रहा था अभी बांध टूटेगा, अभी बांध टूटेगा, अभी. रात को मैं सो नहीं सकता था, चार चार रातें होगी मैं सोया नहीं. रात को एक बार 11:30 का समय था और मैं बांध पर टहलने के लिए निकला कि ये बांध कहाँ से टूट रहा है, कहाँ से जर्जरित हुआ है, क्या हाल है, क्योंकि मैं नींद तो ले नहीं सकता. और बांध पे घूमते 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 मैं थोड़ा आगे निकला और मैंने देखा कि बांध पे जो मजदूर काम करते थे वो मजदूर एक जगह पर इकट्ठे होकर कीर्तन कर रहे थे. बड़ी मस्ती से कीर्तन कर रहे थे और भजन गा रहे थे. इतनी मस्ती से कीर्तन कर रहे थे कि उनको कोई पता ही नहीं था कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसे. और सब बांध के मजदूर थे. तो मुझे आश्चर्य लगा, मैंने जिंदगी में ऐसा देखा नहीं था कि कीर्तन क्या होता है, भजन क्या, मुझे तो पता ही नहीं था. मैं तो अंग्रेज हूँ, मुझे भारत से क्या लेना देना. लेकिन यहाँ आया था और ये देखा, मेरी नजर पड़ी, तो मैंने कहा चलो वहां पर चलता हूँ. तो मैं वहां पर उत्सुकतावश, कुतूहलवश गया. वहां जाकर मैंने देखा तो ये सब, ये जो कीर्तन कर रहे थे, मुझे देख के सब खड़े हो गए. उन्होंने कहा साहब आइए आइए, पधारिए पधारिए, आपका आगमन हुआ, हमें भी अच्छा लगा. मैंने कहा आप लोग ये क्या कर रहे हो जरा मुझे बताएंगे. उन्होंने कहा भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं. बोले भजन कर रहे हैं तो इससे क्या होता. बोले इससे क्या नहीं होता ये बताइए. ये हमारे भगवान, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, और हमारी ऐसी श्रद्धा है क्योंकि हमारा तो जीवन ही इनके कारण है. अच्छा ऐसी बात है. बोले हाँ. बोले मेरी एक चिंता है, क्या तुम्हारे भगवान खत्म कर सकते हैं. बोले कौन सी चिंता है. बोले ये बांध टूटने वाला है, अगर बांध टूटा तो मेरा जीवन खत्म है. और मैंने तो निर्णय कर लिया कि अगर बांध टूट गया तो जैसे ही बांध का पानी बहेगा मैं उसमें आत्महत्या कर लूंगा. मैं आत्महत्या करने के लिए उद्यत था. और जैसे ही इन लोगों से बताया, उन्होंने कहा हम तो आपकी वजह से प्रार्थना करेंगे ही भगवान को, लेकिन हमारी प्रार्थना शायद भगवान स्वीकार करे ना करे, आप खुद हमारे भगवान को प्रार्थना करो. मैंने कहा कौन से भगवान है. उन्होंने कहा ये सीता माई की मूर्ति है, और सीता जी का मंदिर था, राम जी का भी नहीं, सीता जी का मंदिर था, और वो छोटा सा मंदिर था. मैं सीता जी के सामने खड़ा हो गया. उन्होंने जो बताया था, ये सीता है, ये माता जी है, तो मैं सीता माता को आगे द्रवित होकर के प्रार्थना करने लगा. और प्रार्थना करते करते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, और आंखें
बिल्कुल आंखों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी और मैं एकदम रोने लगा तो रोते हुए देखकर सारे मजदूर भी चिंतित हो गए। अब जब मेरा रोना खत्म हुआ और मुझे अंतःकरण में ऐसा भाव हुआ कि शायद सीता जी मेरी प्रार्थना सुन रही है और मैं उनके सामने खड़ा, और मैंने माता जी से प्रार्थना की कि अगर माता जी ये मेरा बांध नहीं टूटेगा तो मैं मेरा बाकी का जीवन राम की भक्ति में अर्पण कर दूंगा, और अगर ये बांध टूट गया तो मैं उसी बांध में अपनी ये शरीर है उसको डाल के मर जाऊंगा। बात तो इतनी ही थी। वहां से मैं निकला, मजदूर मुझे भेजने के लिए भी आए, मैं गया। रात भर सो नहीं सका, सुबह उठा, दूसरा दिन व्यतीत हुआ लेकिन बारिश खत्म नहीं हुई। दूसरे दिन शाम का समय था, रात हो चुकी थी, और मैं रात को फिर से बांध पर निकला और बांध पर मैं देखा तो बांध के ऊपर मैं खड़ा था और बांध के नीचे दो लड़के धोती पहने हुए थे और तीर लिया हुआ था, उनके कंधे पर धनुष था और दोनों बांध के पास आकर के मिट्टी ले लेकर के बांध के ऊपर डाल रहे थे। ये देखा, मैंने कहा ये कौन है? वो वहां पर बैठे हैं, शायद बांध टूटेगा, ये बह जाएंगे, ये है कौन? मैंने उनको आवाज लगाई, अरे ठहरो, कौन हो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, मेरी आवाज वो सुन नहीं रहे थे। मैं देख रहा था, कांधे पे धनुष है, हाथ में तीर है, दो लड़के हैं, लेकिन है कौन? ये कोई मजदूर के लड़के होंगे, कोई आदिवासी वनवासी होंगे, है कौन? लेकिन वो मेरी सुन नहीं रहे थे। मैं ज्यादा चिंतित हो गया कि बांध टूटेगा, मैं तो मरने के लिए आया हूं, मैं वहां आत्महत्या करने के लिए निकला। और मैं एक चिट्ठी लिख के आया था और चिट्ठी में मैंने लिखा था कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं, मुझे अब भरोसा हो गया है कि ये बांध एक दो घंटे में टूटने वाला है, तो ये बांध अगर टूटा तो मैं मर जाऊंगा और इसके लिए कोई दुनिया की व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कूदने वाला हूं। ये लिख के अपने टेबल पर रख कर मैं आया था, मैं आत्महत्या के लिए ही आया था। और यही मैंने इन दोनों को लिखा, मैंने कहा मैं तो मरने वाला हूं, ये दो भी साथ में मरेंगे, कम से कम इनको तो बचा लिया जाए। और इसलिए मैंने मजदूरों को आवाज लगाई, यहां आओ, और मजदूर दौड़ते हुए आए। मजदूरों ने कहा क्या है साहब? और मैंने उनको बताया कि वो देखो, वो दो लड़के हैं, वो बांध के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, जरा जाओ और उनको रोको। उन दोनों ने कहा यहां तो कोई नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा तुमको दिखाई नहीं देता वो दो है, इस प्रकार की धोती पहनी हुए, यहां पर जनेऊ है और कंधे पर धनुष है। बोले कोई है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं साहब आप? बोले आप जरा नीचे जाके देख के आओ। वो नीचे गए, देख के वापस आए, बोले कोई नहीं है साहब, आप क्या बात कर रहे हो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा, मैंने उनके आगे वर्णन किया, इस प्रकार के लड़के हैं और दोनों लड़के ये कर रहे हैं। तब मजदूरों ने कहा साहब आप अब चिंता मत करिए, आपके बांध को कुछ नहीं होगा, आपने सीता जी को प्रार्थना की थी ना, सीता जी की प्रार्थना की वजह से राम और लक्ष्मण आपके बांध की रक्षा करने के लिए खड़े। और मैं देखता रह गया, मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने और इन मजदूरों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। राम जी ने मुझे दर्शन दिए, मैं वहां पागल हो गया, मैंने अपने वस्त्र निकाल दिए, टाई फेंक दी, मैंने अपने कपड़े फेंक दिए और भगवा वस्त्र धारण करके उस दिन से निकल गया कि अब अगर राम जी मेरे बांध की रक्षा करने के लिए खड़े हैं तो ये जीवन मुझे राम को समर्पित करना है। देखिए ये राम भक्ति का प्रभाव है। एक अंग्रेज भी संन्यास लेने के लिए विवश हो जाए, अगर राम की भक्ति करते हो। प्रहलाद ने भक्ति की तो भगवान खंबे से प्रकट हुए, भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। यही तो राम जी की महिमा है और यही राम जी की महिमा शिव जी गाते हैं, और शिव जी यही राम जी का मंत्र तारक मंत्र के रूप में लोगों के कान में काशी में प्रदान करते हैं, इसी को कहते हैं तारक मंत्र। राम एक तापसतीय तारी, राम एक तापसतीय तारी, नाम कोटि खल तुमति सुधारी, नाम कोटि खल तुमति सुधारी। ये राम जी का नाम बड़ा पवित्र है और यही भगवान शंकर हर हमेशा नित्य आराधन करते हैं, वही राम नाम है। ऐसा जो राम नाम है, इस राम नाम की उत्पत्ति की गुणना जितनी गाय उतनी कम है। देखिए ये जो रामायण है ना, ये पूरा ग्रंथ 100 करोड़ श्लोकों में लिखा गया था, 1, 2, 5, 25 नहीं, 100 करोड़ श्लोकों में राम जी का ग्रंथ था। लेकिन हुआ ऐसा कि देव लोग आए और झगड़ा करने लगे कि हमको रामायण चाहिए, फिर मनुष्य आए, मनुष्यों ने कहा हमको रामायण दीजिए, और फिर दानव आए, उन्होंने कहा हमको रामायण दीजिए, तो तीनों के बीच में विवाद हो गया। जब विवाद छिड़ गया
तो विवाद का अंत भी तो लाना चाहिए। तो देवता लोग सब गए और भगवान शंकर को विश्वनाथ को बुलाया और भगवान शंकर से कहा, प्रभु कुछ न्याय कीजिए, ये तीनों का झगड़ा मिटाइए, ये रामायण लेले के लिए सब लालायित है। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है आप ठहर जाओ, मैं तीनों को बांट देता हूं। भगवान ने बंटवारा शुरू किया। अब 100 करोड़ श्लोक थे तो 33-33 करोड़ श्लोक तीनों को दे दिए, फिर 1 करोड़ श्लोक अभी बच गए। अब फिर भी झगड़ा तो चालू रहा। उन्होंने कहा, 1 करोड़ श्लोक तो आपके पास है। तो भगवान ने कहा, ठीक है फिर इसके 3 भाग करते हैं। तो 33-33 लाख तीनों को दे दिए, फिर 1 लाख बच गए। फिर झगड़ा तो चालू रहा, 1 लाख श्लोक पड़े हैं अभी तो। अब भगवान ने कहा, ठीक है इसका भी विभाजन करते हैं। तो 33-33 हजार श्लोक तीनों को दिए, अब 1 हजार श्लोक बच गए। फिर झगड़ा चालू रहा, भगवान ने फिर उसके भाग किए, 300-300 श्लोक तीनों को दिए, फिर 100 श्लोक बच गए। फिर 3 भाग किए, 33-33 श्लोक तीनों को दे दिए, फिर 1 श्लोक बच गए। अब कितने आए प्रत्येक के भाग में, 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333 श्लोक देवताओं को, इतने ही दानवों को, इतने ही मानवों को दे दिए। अब 1 श्लोक था, फिर भी झगड़ा चालू रहा कि हमको ये चाहिए। भगवान ने कहा, ऐसा करो इसका भी मैं 3 भाग करता हूँ। ये अनुष्टुप श्लोक छंद का श्लोक है, इसमें 32 अक्षर है, मैं 10-10 अक्षर तीनों को दे देता हूँ। 32 अक्षर थे, 10-10 अक्षर तीनों को दिया, अभी 2 अक्षर बाकी बच गए। अभी झगड़ा चालू रहा, 2 अक्षर के लिए झगड़ा हो रहा है। भगवान ने कहा, 2 अक्षर है और लेने वाले 3 है, और अक्षर शब्द का अर्थ ही ऐसा है जिसका अक्षर नहीं होता, नाश नहीं होता, विभाजन नहीं होता, उसी को कहते हैं अक्षर। तो इसका विभाजन तो हो नहीं सकता, 2 को देंगे तो 1 निराश होगा। अब एक काम करिए, मैंने इतनी सारी मजदूरी की, तुमको बंटवारा करके दिया, तो ये 2 अक्षर मैं रख लेता हूं। और वो 2 अक्षर भगवान शिव ने रख लिए, वो कौन से थे, रा और म, जो 100 करोड़ श्लोकों का सार था वो राम नाम भगवान ने अपने पास रख लिया, बाकी सब बांट दिया। कि वेदों का अंत नहीं, पुराणों का पार नहीं, वाणी तो अपार है, कहां कहां चित दीजिए, कि करोड़ों में 1 कहूं, कि लाखों में 1 कहूं, सत्य राम नाम लीजिए, बस इतने में पूरा हो गया। राम जी से भी, राम जी का नाम बड़ा है, और ऐसा राम का नाम, देखिए आपको अगर मंत्र बोलना हो तो शुद्धि की आवश्यकता रहती है, बिना शुद्धि के मंत्र नहीं बोल सकते। अगर आपको अधिकार नहीं है तो मंत्र नहीं बोल सकते। जैसे परसों बताया गया था कि स्त्री है, शूद्र है, तो उनके लिए गायत्री मंत्र वर्ज है, उनको गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करना है। ओंकार है, प्रणव है, तो उसके कुछ नियम है, वेद के कुछ मंत्र हैं जो हर एक को अधिकार नहीं है, बिना अधिकार के आप मंत्र नहीं बोल सकते। लेकिन राम नाम ऐसा है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, रजस्वला हो, पतित हो, कोई भी हो, पर राम नाम बोलने के लिए हरेक को छूट है। किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में आप राम नाम का जाप कर सकते हो। कोई भी अवस्था क्यों ना हो, राम नाम के लिए मना नहीं है। हर अवस्था में राम जी का नाम मुंह से आना चाहिए। अगर आपका नाम, राम का नाम मुंह से निकलता रहे, न जाने कि सब मृत्यु आ जाए, और मृत्यु का सामना करते वक्त मृत्यु के साथ साथ राम का नाम बाहर आए, उसी ही कहते हैं मंगलमय मृत्यु। कल भी हम विचार कर रहे थे कि मृत्यु न होती तो कैसी कैसी दुर्घटनाएं होती। मृत्यु आपके ऊपर उपकार करती है, मृत्यु हमारे लिए उपकार स्वरूप है। देखिए कुछ फायदे हमने कल भी गिनवाए थे। मृत्यु होती है तो उससे क्या होता है, तमारो जे भूतकाल छे एना ऊपर पड़दो पाड़वानु काम मृत्यु करे छे। आपने कैसा भी काम किया हो लेकिन मृत्यु आपके सारे जो भूतकाल है उसको विस्मृत कर देता है। मान लो अगर इस जन्म में आपको अपना पूर्व जन्म याद आ जाए तो कैसा होता है। कोई आदमी है, रास्ते में चल रहा है और सामने कोई गधा मिल गया, या कोई कुतिया मिल गई, या कोई बिल्ली मिल गई, और वो पहचान जाए कि मैं गत जन्म की मेरी पत्नी है, और उसको उठा के अपने घर ले आए, तो घर में क्या हालत होगी। भूतकाल को आपको भुला देता है। अरे ऐसा नहीं होता, मान लो आप चवरी में खड़े हैं, आप शादी, जैसे भगवान शंकर की सुबह शादी हो रही थी, आप भी फेरे लेने के लिए गए होंगे, जितने लोगों ने शादी की है वो, तो आप अगर बैठे हैं और चौकी पर बैठ गए, ब्राह्मण आए, बोले कन्या पधराओ, कन्या को लाया जाए, और कन्या को देखकर आपको याद आए कि गत जन्म में आपकी माँ थी या गत जन्म में आपकी बहन थी, तो क्या हालत होगी। और या फिर ऐसा याद आ जाए कि एक गत जन्म में भैंस थी और आप बुंड थे, तो आपकी हालत क्या होगी। इसलिए भूतकाल के जितने कर्म हैं उनके ऊपर पर्दा डालने का काम अगर कोई करता है तो वो मृत्यु ही कर सकता है।
किसी किसी को पुनर्जन्म या पूर्व जन्म याद आ जाता है कि मैं पूर्व जन्म में ये था वो था, ऐसा याद आ सकता है, लेकिन हर एक के लिए संभव नहीं है। इसलिए मृत्यु उसके ऊपर पर्दा डाल देती है और आप सब कुछ भूल जाते हो। ये मृत्यु की सबसे बड़ी आपके ऊपर कृपा है। ऐसी कृपा न होती तो कितने दुर्घटनाएं हो जाती। आप रास्ते में जा रहे हैं, कथा में आने के लिए निकले, वाराणसी जा रहे हैं और ट्रेन में दो यात्री मिल गए, आप मिल गए, एक बड़ौदा से आए हुए थे एक अहमदाबाद से आए हुए थे, दोनों एक ट्रेन में इकट्ठे हुए। वाराणसी आप कहां जाएंगे, वाराणसी आप कहां जाएंगे, वाराणसी क्यों, हम कथा में जा रहे हैं, आप कथा में जा रहे हैं। फिर आपको याद आता है, ओ ये तो ये आदमी है जिसने गत जन्म में मेरा खून कर डाला था, मुझे मार डाला था, तो आप क्या करेंगे, हाँ चप्पू निकाल के उसके, और फिर उसको अगर याद आ गया कि आपका खून किया था तो दूसरे जन्म में क्या होगा, तो फिर कैसी हालत कैसी होगी, जरा सोचिए। मृत्यु का काम यह है कि आपके भूतकाल पर वो पर्दा डाल देता है और आपको कुछ याद नहीं रहता। एक चीज और है, मृत्यु के कारण एक की मृत्यु दूसरे के लिए कभी कभी उपकारी बन जाती है। किसी की मृत्यु होते ही दूसरे को लाभ हो जाता है। हम कहते हैं मृत्यु लाभकारी नहीं हो सकती, ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो एक आदमी कर्जे में डूबा हुआ है, उसके बाप के ऊपर 10 लाख का ऋण है, कर्ज है। अब उसके बाप की सेवा करते करते दवाई के पैसे भी इतने हो गए, घर में कुछ खाने का रहा नहीं, और उसका बाप मर जाता है, और मरते ही उसके बाप का इंश्योरेंस जो 50 लाख का था, इंश्योरेंस का पैसा आ जाता है, तो हालत क्या होगी। 10 लाख का कर्ज चुक गया, 40 लाख रुपए बच गए और बेटा रातों रात लखपति हो गए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मृत्यु, एक की मृत्यु दूसरे के लिए उपकारी हो सकती है। आपने शायद भागवत की कथा सुनी और भागवत की कथा में यह बात आई है कि नारद जी बोल रहे हैं, नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं और वृत्तांत सुनाते हुए नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र था, और उस समय क्या हुआ, हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण कुछ संत लोग चातुर्मास करने के लिए आए और मैं उन ब्राह्मणों के वेदवादी ब्राह्मणों और संतों की सेवा में था, मेरी माँ भी उनकी सेवा में थी, हम सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते मेरा जो चित्त है उन संतों के चरणों में समर्पित हो गया। चातुर्मास पूरा होने का था और मेरे मन में ये विचार आया कि मैं इन संतों के साथ साथ सन्यासी होकर निकल जाऊं। मैंने संतों से प्रार्थना की, अगर आप यहां से जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब संतों ने कहा, हम आपको साथ नहीं ले जा सकते, अगर आपको आना है तो माँ की अनुमति लेकर आओ, अगर तुम्हारी माँ कहती है कि मैं जाने दूंगी तो मैं तैयार हूं। मैं माँ के पास गया तो माँ ने मना कर दिया कि तेरा बाप है नहीं और मेरे पास कोई चारा नहीं है, तू एक ही तो मेरा सहारा है और अगर तू भी चला जाएगा तो मेरे पास क्या रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती। मैं निराश हो गया, मैंने जाकर संतों से कहा, माँ ने मना कर दिया है, तो संतों ने कहा हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। अब संतों ने मना कर दिया, मैं खूब रोया, लेकिन संतों ने मना कर दिया, हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। फिर संतों ने मुझे द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया और मुझे कहा, तुम यही मंत्र रोज पढ़ते रहो, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। और द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र मैं अविरत रूप से पढ़ता रहा, जप करता रहा, और जप करते करते भगवान ने मेरी सुन ली। हुआ ऐसा कि एक दिन माँ गाय धोने के लिए गई और बीच में सांप निकला और सांप के ऊपर माँ का पैर पड़ा, सांप ने दंश दिया और मेरी माँ मर गई। अच्छा हुआ माँ की मृत्यु सुनकर मुझे सुख हुआ। ये नारद जी के वचन है, नारद जी कह रहे हैं माँ की मृत्यु हुई और मुझे सुख हुआ कि अच्छा हुआ माँ मर गई, अब मेरा मार्ग प्रशस्त हो गया। देखिए एक की मृत्यु दूसरे के लिए उपकारी बन सकती है। और फिर नारद जी कहते हैं कि माँ को अग्निदाह करके मैं निकल गया, सालों तक विचरण करता रहा और फिर एक वृक्ष के नीचे बैठा था, समाधि में भगवान ने मुझे दर्शन दिए, मैं पैर पकड़ने के लिए गया लेकिन भगवान वहां से अदृश्य हो गए और आकाशवाणी हुई और कहा, अभी तुम्हारे कुछ कर्म बाकी है, अभी तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हो सकते, अगले जन्म में मेरे दर्शन होंगे। और फिर दूसरे जन्म में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर आया और भगवान का दास बना। कहने का मतलब है कि एक की मृत्यु दूसरे के लिए उपकारी बन सकती है। आपको पता है वैन की मृत्यु ही भागवत में कथा है, अगर वैन की मृत्यु न होती, वैन को न मार दिया जाता, तो
तो पृथ्वी जैसे भगवान का स्वरूप हमको मिल सकता था क्या? वैन को मारने के बाद उसकी जंघा में से मंथन करके ऋषियों ने पृथ्वी को प्रकट किया। आप सोचिए, एक की मृत्यु दूसरे के लिए उपकारक बन सकती है, एक की मृत्यु होती है और फायदा किसी को होता है। अरे एक की मृत्यु की बात छोड़ो, जहां पर आप रोज स्नान करते हो और आधे भारत को, आधे भारत को जो अपना पानी प्रदान करती है और जिसके कारण आज भारत विख्यात है और भारत के अंदर जिनकी जयकार करते हैं वो माँ गंगा भी, अगर सगर के पुत्रों की मौत न हुई होती तो गंगा जी का अवतरण भी नहीं होता। सगर के 60,000 पुत्र थे और 60,000 सगर के पुत्र, आप कल्पना कीजिए, और 60,000 सगर के पुत्रों को जब सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए भेजा, और जब अश्व दौड़ता गया, अब देवता लोग हैं ना, जो अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो पीड़ित हो जाते हैं, तो देवताओं में और उसमें भी इंद्र ने उस अश्व को चुरा लिया और कपिल के आश्रम में बांध दिया। भगवान कपिल के आश्रम में जब अश्व को बांध दिया गया, अब अश्व नहीं मिल रहा था, अब सारे पुत्र गए और जाके सगर राजा से कहा, महाराज अश्व नहीं मिल रहा है, बोले पूरी पृथ्वी को खोद डालो, कहीं से भी अश्व चाहिए। और पृथ्वी को खोदते हुए वो लोग पहुंचे कपिल के आश्रम में और कपिल के वहां अश्व देखा और उन्होंने कहा, इस ऋषि ने हमारा अश्व बांध दिया है, और अनाप शनाप बोलने लगे। और भगवान कपिल समाधि में व्यस्त थे, भगवान कपिल वहां से खड़े हुए और भगवान की आंखों में से, यानी कपिल की आंखों में से जो ज्वाला निकली, उन ज्वाला के कारण सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए, सारे के सारे जलकर मर गए। ये सारे के सारे जलकर मर गए, लेकिन सगर राजा का एक और पुत्र था और उस पुत्र असमंजस के यहाँ एक पुत्र हुआ, फिर असमंजस से भगवान का आराधन किया, उनकी जीवन समाप्त हो गया। उसके बाद दिलीप ने भगवान का आराधन किया, जीवन भर तपस्या की, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद भगीरथ आए और भगीरथ ने भगवान का तप किया, और तप करने के बाद 3,000 वर्ष के तप के बाद, और वो भी हिमालय में जाकर जहां पर गंगोत्री धाम है, वहां भागीरथी शिला है, आप कभी जाए तो भगीरथ शिला का दर्शन अवश्य करें। भगीरथ शिला पर बैठ पर और उन्होंने वहां पर भगवान का तप किया और भगवान नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, क्या चाहिए? बोले, मेरे पितृ हैं, 60,000 मेरे पितृ हैं, और वो सब के सब भगवान कपिल के कारण, भगवान कपिल के शाप के कारण, या भगवान कपिल को उन्होंने कहीं ना कहीं छेड़ा तो उनके कारण उनकी मृत्यु हुई है, और उनका मुझे सदगति में ले जाना है, उनकी मुक्ति हो ऐसी मेरी कामना है, और मुक्ति के लिए गंगा का अवतरण करना है, आप गंगा को भेजिए। तो बोले, गंगा जी को बुलाया गया, गंगा जी से कहा, आप जाओ और सगर पुत्रों का उद्धार करो, भगीरथ के ऊपर हम प्रसन्न हुए हैं। और भगीरथ महाराज ने कहा, गंगा जी आप पधारिए। गंगा ने कहा, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अगर ऊपर से मेरा प्रवाह अगर बहाऊंगी तो ये पृथ्वी फट जाएगी, इतना मेरा जोरदार प्रवाह, इतना वेगवान प्रवाह है, ये प्रवाह डायरेक्ट सीधा पृथ्वी पर नहीं आ सकता। बोले, तो क्या किया जाए? बोले, आप एक काम करिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करिए, भगवान शंकर अपने ऊपर अगर मुझे धारण कर लेते हैं तो मैं आपके लिए सुखद हो जाऊंगा। बोले, ठीक है। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करने के लिए अपने दाहिने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर एक वर्ष तक तप किया, और एक अंगूठे पर खड़े रहकर एक वर्ष तप किया, और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, क्या चाहिए? बोले, भगवान आप मिल गए और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, आपके दर्शन हुए, आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। भगवान ने कहा, हाँ मैं तो जानता हूँ, लेकिन बोलो क्या चाहिए। बोले, प्रभु गंगा जी का अवतरण मुझे करना है, आप उसको शिर पर धारण करिए। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं शिर पर धारण कर लेता हूँ, भेजो गंगा जी को। अब गंगा जी को भी थोड़ा गर्व था कि मैं अगर कोई मुझे सहन नहीं कर सकता, मेरा प्रवाह उतना वेगवान है। भगवान शंकर ने कहा, गंगा के गर्व को भी तो खंडित करना है, तो क्या करेंगे? भगवान शंकर ने अपनी जो जटा है उसको खोल दी, और जटाएं खोलकर गंगा से कहा, अब उतरो नीचे, और गंगा ऊपर से गिरी, और जैसे ही गंगा जी गिरी भगवान शंकर की जटा में गायब हो गई। भगवान की जटाएं इतनी लंबी थी कि गंगा जी उसके अंदर घूमती रही, बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। 1 साल तक बीत गया, गंगा जी बाहर निकल रही है। भगीरथ ने कहा, भगवान हुआ क्या? भगवान ने कहा, गंगा जी अंदर है, उनका गर्भ खंडन होने दो। अब गंगा जी त्रस्त हो गई। तब भगीरथ ने कहा, गंगा जी का जो हो मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मुझे लेकर जाना है,
मेरे ऊपर कृपा करिए, गंगा को मार्ग दीजिए। और भगवान ने अपनी जटा बांधी और गंगा को रास्ता दिखाया, यहां से तुम बाहर निकलो, और गंगा जी बाहर आई। और भगीरथ ने कहा मैं जहां जहां चलता हूं उसके पीछे पीछे गंगा जी आए, और भगीरथ का रथ जहां जहां चला गंगा जी उसके पीछे पीछे चली आई। और गंगा वहां से लेकर यानी गंगोत्री से लेकर, वैसे तो वो कैलाश से निकली लेकिन गुप्त रूप से नीचे होकर पहाड़ों के अंदर बर्फ के अंदर होते हुए वो गंगोत्री में प्रकट हुई, और गंगोत्री में प्रकट हुई तब हमें दिखाई दी, और वहां से लेकर भगीरथ के रथ के पीछे पीछे आने लगी। जब पीछे पीछे आ रही थी तो बीच में जन्नू ऋषि का एक आश्रम था, उनकी यज्ञशाला थी। अब जन्नू ऋषि का वहां कार्यक्रम चल रहा था। अब जन्नू ऋषि थोड़ा ही बाहर गए थे और वहीं पर गंगा जी का प्रवाह आया और जन्नू ऋषि का पूरा आश्रम बहाकर गंगा जी ले गए। अब गंगा जी को पता नहीं था और जन्नू ऋषि को एकदम गुस्सा आ गया। जन्नू ने कहा मेरे ऊपर ये किसने कहा, मेरा जो आश्रम है इसको बहाने की हिम्मत किसकी है, ये है कौन? और जन्नू ऋषि ने क्या किया, गंगा जी का आचमन करके गंगा जी को पी गए। अब भगीरथ के लिए एक और समस्या खड़ी हो गई। भगीरथ ने कहा अब क्या किया जाए। अब भगीरथ गए और जन्नू से प्रार्थना की, प्रभु आप मार्ग दीजिए, गंगा जी को वापस कीजिए। और जन्नू ने अपनी कांध से या जंघा से गंगा को बाहर निकाला और कहा जाओ, अगर मुंह से निकालेंगे तो उच्छिष्ट हो जाएगी, मुंह से तो निकाल नहीं सकते। इसलिए उन्होंने जंघा या कांध से निकाली और गंगा जी को प्रदान किया, इसलिए वो जन्नू की पुत्री कहलाई और इसीलिए गंगा का एक नाम हुआ जाह्नवी। वो जन्नू की पुत्री होने के कारण उसका एक नाम हुआ जाह्नवी। भगीरथ ने लाई इसलिए इसका एक नाम हुआ भागीरथी। वो स्वर्ग से आई इसलिए उसका नाम हुआ सुरनदी। और यहाँ काशी में तो वो उत्तरवाहिनी है। देखिए कभी नदी उत्तर में नहीं जाती, वो दक्षिण में जाती है। कोई नदी उत्तर में नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ काशी में ही ये घटना हुई है, क्योंकि गंगा जी ने कहा मुझे काशी में विश्वनाथ के दर्शन करने हैं और मुझे मणिकर्णिका के दर्शन करने हैं। भगीरथ जी कृपा करके आप अपना रथ वहां से लीजिए। और गंगा के कारण शिव जी ने कहा कि भगीरथ यहाँ से लेकर आप काशी से गंगा जी को ले जाइए। और भगवान शिव की आज्ञा के कारण भगीरथ ने अपने रथ को यहाँ से घुमाया, इस कारण यहाँ से गंगा उत्तरवाहिनी हुई। और यहाँ गंगा जी उत्तर में जा रही है और उत्तरवाहिनी होकर गंगा जी आगे को गई है। कहने का मतलब है अगर सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु न हुई होती तो आज हमको गंगा जी प्राप्त नहीं होती। और यही कारण है कि एक की मृत्यु दूसरे के लिए उपकारक बन सकती है। यही तो मृत्यु देव की हमारे ऊपर कृपा है कि एक की मृत्यु हो और फायदा दूसरे को हो जाता है। यही तो हुआ है, बार बार हुआ है। खैर उस कथाओं में नहीं जाते, हम तो आपको ये बता रहे थे कि भगवान ने जो कहा, यहाँ आचार्य श्री लिखते हैं जंतु प्रयाणोत्सवे, जंतु जब जाता है, ये जीव जब जाता है यहाँ से निकलकर, उस समय भगवान जो कहते हैं उसमें क्या कहा भगवान ने, भगवान शिव ने, भगवान शिव को भगवान विष्णु कहते हैं कि इस जंतु को मेरे जैसा आप रूप प्रदान करें। और तत्क्षण उसी क्षण क्या हुआ, तन्मध्य भृगुलंचनो गरुड़ग पीतांबरो निर्गत, उसी समय उस गंगा जी के अंदर से मणिकर्णिका घाट के अंदर से एक पुरुष बाहर निकला। वो कैसा था, भृगुलंचनो, उसके सीने में भृगुलांचन था। भृगुलांचन यानी भगवान भृगु जो हुए वो भृगु ऋषि के पद चिन्ह का निशान उनकी छाती में था। अब देखिए ये भृगुलांचन क्यों है और भगवान ने इसे क्यों धारण किया है, इसकी कथा पुराणों में है। ये भृगु ऋषि गुजरात में हुए, आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। गुजरात में तीन महत्वपूर्ण विभूतियां हुई है, उसमें एक जो भृगु ऋषि जिसे आज आप भरूच कहते हैं उसका नाम है भृगु कच्छ। वो भृगु कच्छ का मुसलमानों ने बदलकर कर दिया भरूच। जहां भृगु कच्छ का मुसलमानों ने किया भरूच, आप जहां बैठे हैं वाराणसी, मुसलमानों के आने के कारण वाराणसी हो गया बनारस। ये वाराणसी जैसे बनारस हुआ, प्रयागराज जैसे इलाहाबाद हुआ, साकेत जैसे फैजाबाद हुआ, कर्णावती जैसे अहमदाबाद हुआ, वटपतनम जैसे वडोदरा हुआ, सूर्यपुरी जैसे सूरत हुआ, पद्मपुरी जैसे पादरा हुआ, चंडीपुर जैसे चाणोद हुआ, हमारे यहाँ प्रहलादनपुर जो पालनपुर हो गया, खीरपुर जो थराद हो गया, सत्यपुर जो सांचौर हो गया, अरे यहाँ संभाजीनगर जो अहमदनगर हो गया,
कई शहरों के नाम बदल दिए गए। अरे हमारे यहाँ बड़ौदा के पास में ही उमिया गांव कड़वा पाटीदारों और लेहुआ पाटीदारों की जो कुलदेवी है, वो पाटीदारों की जो कुलदेवी है उमिया गांव उमिया माता के नाम से था, और इन हनाबियों ने उमिया गांव में से ऊ निकाल दिया और उसका नाम कर दिया मिया गांव। अब उमिया गांव में से हो गया मिया गांव। अब जरा सोचिए, कई ऐसे शहरों के नाम बदल दिए गए, उसमें ये भृगु कच्छ भी है। ये जो भृगु कच्छ है वो भरूच आज का है, वहां पर भृगु ऋषि हुए। भृगु वहां पर एक और भी घटना हुई है, उसका उल्लेख हम आगे करेंगे। यहां तो भृगु ऋषि जो भरूच में हुए, दूसरी एक विभूति हुई भगवान कपिल हुए। कपिल के कारण गंगा का आगमन हुआ, और कपिल ने जहां पर सगर के पुत्रों को भस्मीभूत कर दिया वो तो गंगा सागर बंगाल में है, लेकिन ये कपिल का जो प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, वो हमारे यहाँ सिद्धपुर में हुआ, गुजरात में सिद्धपुर में कपिल मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। करदम और देवहूति के वहां कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, वो सिद्धपुर गुजरात में है। और तीसरे जिनका वेदों में शुक्ल यजुर्वेद जिन्होंने दिया है, वो याज्ञवल्क, भगवान याज्ञवल्क जिसे कहते हैं, और वो याज्ञवल्क हमारे यहाँ वड़नगर, जहां से हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, वो वड़नगर वो हमारे याज्ञवल्की की भूमि है। तो गुजरात में ये तीन महत्वपूर्ण विभूतियां दी है, भृगु भी है, कपिल भी है और याज्ञवल्क भी है। ये भृगु ऋषि जो हुए, ये भृगु ऋषि कोई सामान्य नहीं है। हमारे यहाँ भगवान भृगु ने अपने ही देवताओं और ऋषियों ने एक बार तय किया कि जो ये त्रिदेव हम जिसको मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से अच्छा बड़ा सरल सत्यवादी कौन है, ये जरा परीक्षा करनी है। और सबसे बड़ा कौन है कैसे मानेंगे, तो सबने दायित्व दिया गया और भृगु से कहा गया आप जाइए और इनकी परीक्षा लीजिए, इनमें अच्छा कौन है, बड़ा कौन है, वास्तव में जिनको प्रणाम किया जाए वो कौन है। भृगु ऋषि निकले, भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर को अनाप शनाप बोलने लगे। भगवान ने कहा प्रभु आप तो आप है, आप यहाँ पर पधारे, कैलाश तक आने का आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, हम आपको प्रणाम करते हैं, मैं तो ब्राह्मणों का सेवक हूँ। जब ऐसा बोला भृगु को बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद दिए, भृगु वहां से निकल गए। देखिए भगवान भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद लेते हैं, इसलिए तो भगवान का जन्म होता है, तब किसके लिए होता है, तो तुलसी लिखते हैं हमारे यहाँ विप्रधेन सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं, विप्रधेन गायों के लिए आते हैं, विप्रधेन सुर संत हित सुर देवताओं के लिए, संतों के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, गोद्विज धेनु हितकारी, गोद्विज धेनु देव हितकारी, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। गो, यहाँ गो शब्द का अर्थ है वेद, यहाँ गो शब्द का अर्थ गाय नहीं है, क्योंकि गो द्विज धेनु आगे धेनु शब्द आया है, वहां धेनु शब्द का अर्थ गाय है। तो तुलसीदास जी इतने तो हमारे जैसे मूर्ख नहीं थे कि एक ही शब्द दो बार लिखते, तो तुलसी ने लिखा गो द्विज धेनु, मतलब वेदों की रक्षा के लिए। गो शब्द के कई अर्थ हैं, पहले भी आया है। तो गो द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण, गो द्विज धेनु, धेनु यानी गाय, गो द्विज धेनु देव हितकारी, और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी, और स्वयं नारायण ने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक दीन बंधु दीनानाथ कारण करुणा वरुणालय भूपति भुवनपति छत्रपति मायापति रमापति देवदेव नंदन नंदन यशोदानंदन वासुदेवात्मज श्री कृष्ण बनकर आए या कौशल्यानंदन राम बनकर आए, इस भूमि पर उन्होंने पदार्पण किया, लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। यहाँ पर भृगु गए, भृगु ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, ब्रह्मा जी भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, फिर भृगु ऋषि विष्णु की परीक्षा के लिए क्षीर सागर में गए। भगवान सागर में, क्षीर सागर में सोए हुए थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी,
और भगवान जहीं वहीं पर सो रहे थे, भृगु वहां पहुंचे। भृगु ने कहा, इनके सामने थोड़ी थोड़ी बात हुई है, थोड़ा उग्रता और दिखाता हूं, क्या असर होता है जरा वो भी तो देखें। और भृगु ऋषि ने क्या किया, अपना पांव उठाया और एक लात भगवान की छाती में मारी। और जैसे ही भगवान विष्णु की छाती में लात मारी, भगवान विष्णु खड़े हो गए और भगवान ने भृगु के पांव पकड़े। अरे भूदेव, हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ पर आए, आपने मेरी छाती में ये पांव मारा है, शायद मेरी छाती कठोर है, आपके पांव बड़े कोमल है, आपके पांव को दर्द हुआ होगा, लाइए मैं आपकी चरण सेवा कर देता हूँ। देखिए भगवान कितने कृपा सिंधु है, वो कहते हैं कि मेरी छाती वज्र जैसी कठोर है और आपके पांव तो बड़े कोमल है, मैं आपकी चरण सेवा कर देता हूँ। यही भगवान को जो लात मारी, अब भृगु तो शर्मिंदा हो ही गए। भृगु ने कहा, विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने कहा, भृगु जी आपने जो लात मारी है, मैं आज नहीं जन्म जन्मांतर तक केवल मेरे शरीर में नहीं, यहाँ पर जब जब मेरा अवतार होगा, मैं यहाँ आपका चिन्ह धारण करूंगा। और भृगु के पद का चिन्ह भगवान ने अपनी छाती में धारण किया, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ भृगुलांचन। वो भृगुलांचन को धारण करते हैं। यहाँ आचार्य से लिखते हैं, तन्मध्यत भृगुलांचनो गरुड़ का। भृगुलांचन वाला एक पुरुष बाहर निकला और वो कैसा था, गरुड़ का। वो गरुड़ के ऊपर विराजमान था, जो गरुड़ जिसका वाहन है। आप गरुड़ जी को जानते हैं, गरुड़ जी कोई साधारण नहीं है। आपने जो कथाएं सुनी उसमें कहीं कहीं उल्लेख हुआ, आपने कल भी दक्ष की कथा सुनी थी, कल ही सुनी थी शायद, कल थी, जो दक्ष प्रजापति हुए उनकी कई कन्याएं हुई, उसमें उनकी दो कन्याएं एक और थी, उनमें से एक का नाम था विनता और एक का नाम था कद्रु। ये जो विनता थी वो पक्षिणी थी और कद्रु थी वो सर्पिणी थी, और विनता और कद्रु उनकी दो पुत्रियां थी। अब दोनों का विवाह हुआ और दोनों का विवाह कश्यप के साथ हुआ। अब कश्यप की ये पत्नियां थी, अब दोनों साथ में रहती थी, लेकिन अगर सौत होती है तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव होता है। अब सौत होने के कारण, सौतिली होने के कारण, एक दूसरे की सौत होने के कारण थोड़ा थोड़ा वैमनस्य रहता था। उसमें कद्रु को ज्यादा वैमनस्य था, विनता को तो नहीं था, लेकिन कद्रु ने सोचा इस विनता को कैसे करके अपने अंडर में लेना है। और इसलिए कद्रु ने एक बार विनता से कहा, हम कुछ खेल खेलते हैं। विनता ने कहा, क्या खेल खेलना है, बैठो भगवान का नाम स्मरण करो। बोले नहीं, कुछ खेल खेलना है। बोले क्या खेल खेलेंगे। बोले कोई शर्त करते हैं। बोले शर्त करेंगे फिर हार जाएंगे, क्या मतलब है, हम दोनों बहने हैं, वैसे भी एक घर में रहना है, फिर शर्त क्यों करनी है। लेकिन कद्रु ने जिद की, नहीं आप खेलना नहीं चाहती मेरे साथ, आप मुझसे घृणा करती है, आप मैं आपको मैं अच्छी नहीं लगती। विनता ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, चलो शर्त करो, क्या शर्त करनी। अब कद्रु ने कहा, शर्त ऐसी करनी है, देखो एक काम करो, ये सूर्यनारायण के जो घोड़े हैं इसका रंग कौन सा है वो बताओ। इसने कहा, सूर्यनारायण के घोड़े का रंग। अब सूर्यनारायण का जो घोड़ा है वो भी तो समुद्र मंथन में अंदर से निकला है और चंद्र के साथ रहा है, इसलिए वो तो श्वेत ही हो सकता है, वो श्वेत है। कद्रु ने कहा, नहीं वो काला हो सकता है। इसने कहा, नहीं वो श्वेत है, मुझे पता है। बोले तुम्हें पता है लेकिन मैं कहती हूँ कि वो काला है, करो शर्त मेरे साथ। बोले शर्त लग गई। बोले क्या शर्त होगी, जो हार जाए उसको, जो जीत जाए उसकी दासी बन के जीवन भर रहना पड़ेगा। अगर मैं जीत गई तो तू मेरी दासी बनेगी और तू जीत गई तो मैं तेरी दासी बनेगी। बोले ठीक है ऐसा रखो। अब दोनों घर गई, बात ऐसी हुई कि कद्रु के जो पुत्र है वो सब नाग है, सर्प है। तो कद्रु ने अपने पुत्रों को बुलाया और सर्पों से कहा, तुम यहां से जाओ और सूर्यनारायण के घोड़े के पास जाओ और उनके आसपास लिपट जाओ और उसको काला बना दो, या फिर वहां जाकर अपने फुत्कार से जहर फूंको और अपने काले विष से उसको काला बना दो। अब कद्रु के पुत्रों ने कहा, हम तो ये नहीं कर सकते, ये बात गलत है। माँ जी आपकी जो बात है वही गलत है, ऐसा क्यों करना है, ये करना ठीक नहीं है। कद्रु ने कहा, माँ की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। अब कई नाग सर्प ऐसे थे, उन्होंने कहा ठीक है हम माँ की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, हमको ये स्वीकार्य नहीं है। अब जब उन्होंने उल्लंघन करना स्वीकार कर लिया तो कद्रु ने अपने बेटों को भी शाप दे दिया और कद्रु ने कहा, मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुमने माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज से मेरा शाप है कि विनता का बेटा तुम्हें खा जाएगा। विनता का पुत्र यानी गरुड़, और गरुड़ से जिसका वैर है, गरुड़ सर्प को नहीं छोड़ता, तो मैं आज से शाप देती हूँ कि विनता का पुत्र तुम्हें खा जाएगा,
उनके भय से तुम हमेशा कांपते रहोगे। और दूसरा शाप देती हूँ कि आज से तुम्हारे जो संतान होंगे तो उसकी माँ ही उनके संतानों को खा जाएगी। इसलिए सर्पिणी जो होती है वो अपने बच्चों को खुद खा जाती है। अब कद्रू ने शाप दे दिया। फिर कुछ नाग तैयार हुए, उन्होंने कहा ठीक है जैसा आप कहती है हम करने को तैयार है। फिर कुछ सांप गए भी सही। अब बात ऐसी हुई कि दूसरे दिन विनता गई और विनता और कद्रू का मिलन हुआ और विनता से कद्रू ने कहा चलो हम सूर्य नारायण की ओर जाते हैं और देखते हैं घोड़े का कलर कौन सा है। और घोड़े का रंग देखने के लिए विनता से कहा तुम पंखी हो मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाती हूँ और तुम उड़ सकती हो तो तुम उड़ो मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगी। अब कद्रू ऊपर बैठ गई, विनता उड़ने लगी, उड़ते उड़ते सूर्य नारायण के पास जाने लगी। अब जैसे जैसे ऊपर उठने लगी, सूर्य नारायण पास आने लगे तो गर्मी बहुत होने लगी और गर्मी क्या अग्नि बरसने लगी। इतनी भयंकर गर्मी होने लगी कद्रू से सहन नहीं हुआ। कद्रू ने कहा बस अब आगे नहीं जाना है, मैं हार गई तुम यहां से वापस चलो। विनता ने कहा नहीं शर्त हुई है, अब शर्त का मैं पालन न करूं तो मैं दोषी हो जाऊंगी, इसलिए शर्त का पालन तो आवश्यक है। कद्रू थोड़ा सहन कर लो, लेकिन कद्रू से सहन नहीं होता था। कद्रू ने कहा मैं हार गई मैं स्वीकार कर लेती हूँ। विनता ने कहा नहीं नहीं अब तो हम जाएंगे। विनता उड़ती रही लेकिन सूर्य नारायण का जो ताप था वो ज्यादा हो गया। अब विनता के मुख से खल्लोक शब्द निकल पड़ा और विनता ने खल्लोक नाम से सूर्य नारायण की स्तुति की। सूर्य नारायण ने अपना जो ताप था वो कम कर दिया। फिर विनता वहां पर गई और विनता ने दूर से ही देखा सूर्य नारायण के घोड़ों का वर्ण जो रंग था वो श्वेत की जगह ब्लैक मतलब काला हो चुका था, क्योंकि कद्रू के पुत्र यानी सर्प गए और वो पीछे घोड़े की पूंछ में छिप गए और उनके विष के कारण उनका कलर जो था उनका रंग जो था वो श्वेत की जगह श्याम हो गया। अब श्याम घोड़ों को देखा कद्रू ने तो नहीं देखा, विनता ने ही देखा, लेकिन विनता ने कहा कद्रू मैं हार गई, मैं जानती हूं कि ये घोड़े सफेद है, मुझे पक्का पता है कि ये घोड़े सफेद है, लेकिन मेरा भाग्य ही कुछ कठिन है और मेरे दुर्भाग्य के कारण आज मुझे ही ये घोड़े श्वेत की जगह श्याम दिख रहे हैं। मैं हार स्वीकार करती हूं और आज से मैं तुम्हारी दासी हूं। विनता और कद्रू नीचे आ गई। नीचे आने के बाद विनता ने उसका दासी बना स्वीकार कर लिया। रोज जाती, कद्रू जो कहती वो करती। अब कद्रू क्या करती, रोज उसके ऊपर बैठ जाती, आज इस पहाड़ पर ले चलो, आज उस पहाड़ पर ले चलो, आज ये नगर दिखाओ, आज वो नगर दिखाओ, पूरी दुनिया घूमने के लिए विनता को बहुत कष्ट देती। और विनता दिन भर काम करते 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 दासी बना करके थक जाती। एक दिन शाम को विनता थक कर घर आई, तब गरुड़ जी घर पर आए हुए थे। गरुड़ विनता के पुत्र हैं। अब गरुड़ जी घर पर आए हुए थे, माँ के चेहरे ऊपर उदासीनता देखी, थकावट देखी और गरुड़ जी ने पूछा माँ क्या बात है, आप कुछ चिंतित है, आपको कुछ कष्ट है, आप कुछ दुखी है। माँ ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। बोले नहीं नहीं माँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे जैसा पुत्र होते हुए अगर आपको कोई दुख दे रहा है तो मेरा पुत्र होने में धिक्कार है। जो पुत्र होते हुए माँ के कष्ट को दूर नहीं कर सकता उसका पुत्र होना ही लज्जित है और मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। मेरी माँ के ऊपर कष्ट पड़ रहा है तो मेरे जीने में धिक्कार है, मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। माँ सही सही बताओ बात क्या है। और जब गरुड़ जी ने यह सब कहा तब विनता ने कहा बात ऐसी है बेटे, और जो जो हुआ था वो सब का सब उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ और मैंने उसका दासीपना स्वीकार किया है। गरुड़ जी ने कहा तुम बहने हो और दूसरी बात कि वो तुम्हारी सौत है और सौत के साथ तुमने ये किया, ये सब अच्छा तो नहीं हुआ है, लेकिन माँ मैं तुम्हें उस दासता से मुक्त देखना चाहता हूँ। तुम जाओ और कद्रू के पुत्रों से और कद्रू से पूछो कि वो मुझे मुक्त कैसे कर सकते हैं, जो शर्त रखेंगे मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अब विनिता जी वहां गई और विनिता ने कद्रू के पुत्रों और कद्रू को इकट्ठा किया और दूसरे दिन पूछा क्या कर सकते हैं, मैं उस दासता से मुक्त करना होना चाहती हूँ, आप बताइए कुछ शर्त हो तो रखिए, मैं आपकी हर मांग पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो कद्रू के पुत्र सर्पों ने कहा एक काम करिए, अगर आप हो सकता है और आप दासता से मुक्त होना चाहती है तो देवताओं के पास अमृत है, वो अमृत का कुंभ हमको लाकर दीजिए, हम आपको दासता से मुक्त कर देंगे। विनिता ने कहा ठीक है। विनिता खुश होते हुए घर आई और विनिता ने गरुड़ जी से कहा कि उन्होंने तो ये कहा है कि अमृत का कुंभ लाकर दीजिए। अब गरुड़ जी ने कहा अमृत का कुंभ तो कोई सरल चीज थोड़ी है और वो भी देवताओं के पास से लाना है, लेकिन मेरी माँ को कष्ट से मुक्त करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। गरुड़ जी उठने लगे। गरुड़ जी का स्वरूप इतना विशाल और विराट था कि गरुड़ के पंख हिलने लगे। स्वर्ग लोक के पास से जब गरुड़ जी यहां से पसार हुए और उनके पंख से आसपास में देवता नाग गंधर्व सब जो देख रहे थे ये क्या है, सूर्य तो हो नहीं सकता,
ये अग्नि नहीं हो सकता, ये तारे भी नहीं हो सकते, ये है कौन कि इतना प्रकाशमान है और इतनी वेग से जा रहे हैं, ये पवन भी तो नहीं है, ये है कौन? और गरुड़ जी ने अपने पंख हिलाए, देवता वहां से उड़कर कहीं के कहीं खो गए, उनके पंखों की हवा इतनी चली कि देवता सब उड़ने लगे। गरुड़ जी पहुंचे और गरुड़ जी ने वहां जाकर देवताओं के लोक में जाकर स्वर्ग लोक में देखा कि यहां पर कहां पर अमृत रखा हुआ है, तो उनको पता चला कि एक कर्तरी चक्र है। कर्तरी चक्र मतलब कातर जे होय छे ने, एक कातर जे उ चक्र बनायेलू छे के एनी वचमां कोई आवे कपाई जाय, तो एक कर्तरी चक्र बना हुआ है, उसके बीच में अमृत का कुंभ है और आसपास में कर्तरी चक्र घूम रहा है और इतनी जल्दी और वेग से घूम रहा है कि बीच में अगर कोई मच्छर भी जाए तो उसका नाश हो जाएगा, वो भी मच्छर भी उस कर्तरी चक्र में से पसार होकर अमृत के कुंभ तक नहीं जा सकता। अब गरुड़ जी ने कहा यह क्या है, अगर मच्छर तक नहीं जा सकता, पसार नहीं हो सकता, तो अमृत का कुंभ कैसे ले सकते हैं? देवताओं ने बड़ा ही ये तो अद्भुत खेल खेला है, अब करेंगे क्या? उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया, भगवान शिव को बुलाया, काशी विश्वनाथ की उपासना की और भगवान शिव से प्रार्थना की कि मैं अगर मातृ भक्त हूं और माता के प्रति मेरी ममता है और माँ के कारण अगर मैं यहाँ पर आया हूँ और माँ की दासता को मुक्त करने के लिए पुत्र धर्म बजाते हुए अगर मैं ये अमृत लेने के लिए जा रहा हूं तो भगवान शिव मेरी रक्षा करेगा। और हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। सूक्ष्म क्या? जो अणु, अणु नहीं, जो परमाणु और परमाणु का भी जो सौवा भाग होता है उतना छोटा रूप लेकर उस कर्तरी चक्र के मूल में गए और उसमें से अंदर घुस गए और कर्तरी चक्र को मूल में से विनष्ट कर दिया और वो अमृत का कुंभ लेकर गरुड़ जी वहां से उड़ने लगे। और गरुड़ जी जब अमृत का कुंभ लेकर जाने लगे तब देवता सब परेशान हो गए, हाहाकार करने लगे, ये अमृत का कुंभ लेकर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। सब ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहा ये गरुड़ जी अमृत का कुंभ लेकर जा रहे हैं, भगवान विष्णु का ये ठीक बात नहीं है, गरुड़ जी ये ले जा रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, क्या करेंगे? भगवान विष्णु युद्ध के लिए गरुड़ जी को ललकारते हुए आ गए और भगवान विष्णु ने कहा गरुड़ से हमसे युद्ध करो फिर ले जाओ। और भगवान विष्णु के साथ गरुड़ का युद्ध हुआ और युद्ध भी इतना भारी हुआ 24 घंटे मतलब एक अहोरात्र तक युद्ध चला। भगवान विष्णु को लगा ये भी कोई मामूली नहीं है, इसकी तो ताकत बहुत ज्यादा है, अब न तो विष्णु हारे न गरुड़ जी हारे, लेकिन उतना बल दिखाया गरुड़ जी ने कि भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु ने कहा गरुड़ जी आपकी शक्ति देखकर हम प्रसन्न हुए हैं, आप हमसे एक वर मांग लो। अब जब भगवान विष्णु ने कहा कि हम आपके ऊपर प्रसन्न है, अरे एक वर मांग लो, तब गरुड़ जी ने कहा हम भी आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, आप दो वर मांग लो। अब जब विष्णु कहते हैं कि एक वर मांग लो तो गरुड़ जी कहते हैं दो वर मांग लो। भगवान विष्णु का क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ मैं भी प्रसन्न हूं आज, क्योंकि आज मुझे भी कोई युद्ध करने वाला मिला है, ठीक है ऐसा करो आप दो वर मांग लो और जल्दी मांगो, मुझे उतावल जल्दी जाना है। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है तो दो वर हमें दे दो। बोले कौन से वर चाहिए? जो चाहिए मांग लो। भगवान विष्णु ने मांगा और भगवान विष्णु ने प्रथम वर मांगते हुए कहा मुझे ऐसे ही सशक्त वाहन की जरूरत है, आप आज से मेरे वाहन बन जाइए। गरुड़ जी को वाहन बना लिया, गरुड़ जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं वाहन बनने को तैयार हूं। दूसरा वर मांगिए, देखिए गरुड़ जी को लाया नहीं गया, गरुड़ जी स्वयं गए हैं और वर देकर भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु ने दूसरा वर मांगा ये अमृत तुम जो लेकर जा रहे हो वो सर्पों को दोगे तभी तुम्हारी मां मुक्त होगी। बोले हाँ, अब सर्पों को देने के बाद इस अमृत को सर्पों के पास कैसे वापस लाना है उस युक्ति में हमारे साथ शामिल हो जाओ और हमको अमृत वापस दिलाने में सहयोग करो। अब विष्णु ने दोनों चीजें मांग ली और गरुड़ जी ने दोनों बातें स्वीकार कर ली। गरुड़ जी अमृत का कुंभ लेकर गए, कद्रु के पास गए, कद्रु के सर्पों को सबको बुलाया, उनको कहा देखिए अमृत का कुंभ है, लेकिन अमृत का कुंभ जहां तहां रखा नहीं जाता, ये बहुत बड़ी पवित्र चीज है, इसको नीचे मत रखो। बोले कैसे रखें? बोले दर्भ ले आओ, डाबड़ो पोषण गुजराती में, हाँ दर्भ ले आओ और दर्भ के ऊपर रखो। तो दर्भ लाया गया, बहुत सारा दर्भ रखा गया और उसके ऊपर अमृत का कुंभ रखा। अब सर्प सब दौड़ के आए, बोले हमको अमृत चाहिए। गरुड़ जी ने कहा ठहरो, पहले मैं आपको विधि बता देता हूं। बोले क्या विधि है? देखो आप अपवित्र स्थिति में अगर इसका स्पर्श करोगे तो अच्छा नहीं होगा, परिणाम बुरा हो सकता है, आपने राहु केतु की दशा देखी है और इसलिए आपसे पहले से कहता हूं जाओ स्नान करो पवित्र हो जाओ और बाद में आकर अमृत ग्रहण करो। बोले ठीक है ये बात तो सही है, ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी तो देवताओं के पास अमृत है, नहीं तो राक्षसों के पास होता।
बोले ठीक है आप जाओ, अब मेरी माँ को पहले विभक्त कर दो। बोले ये तुम्हारी माँ आज से दासता से मुक्त है, गरुड़ जी वहां से लेकर विनिता को आ गए, विनिता जी मुक्त हो गए। अब नाग सब सर्प सब गए स्नान करने के लिए, पवित्र होकर सब आए और वहां आकर देखते तो क्या हुआ, भगवान विष्णु दूसरे स्वरूप से आए और वो अमृत का कुंभ था वो लेकर चले गए। अब वो स्नान करने के लिए और यहाँ पर अमृत का कुंभ गायब हो गया। जब अमृत का कुंभ गायब हो गया तब सांपों ने कहा तो क्या हुआ, कौन ले गया कौन ले गया, देखा कोई लेके जा रहा है, अब क्या करें। गरुड़ जी ने तो शर्त पूरी कर दी, उनकी तो शर्त पूरी हो गई, विनिता जी मुक्त हो गई, अब क्या किया जाए। तो सर्पों ने कहा अब तो अमृत तो गया, लेकिन अमृत का शायद इस कुंभ को यहाँ रखा है, नीचे से थोड़ा सा निकल गया हो, कहीं टूट गया हो, कहीं फूट गया हो, कहीं जम गया हो, तो कुछ बूंदे गिरी होगी तो थोड़ी चाट लेते हैं। और नाग सब सर्प सब उस दर्भ को चाटने लगे और चाटने की वजह से उनकी जो जीभ थी जिह्वा थी वो दो भागों में विभक्त हो गई और बीच में से कट गई। तो सांप की जिह्वा बीच में से कटी हुई होती, वो चाटते चाटते उनकी जो जीव है जिह्वा है वो कट गई और वो दो भागों में विभक्त हो गई। भगवान गरुड़ जी वहां से निकले, गरुड़ जी गए माता को मुक्त किया और भगवान विष्णु के वाहन बनकर रहे और भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से कहा आपकी कृपा के कारण मेरी माँ यहाँ से मुक्त हुई है, मैं आपको प्रणाम करने के लिए आप तुम्हें कोई काम था तो थैंक यू कहवा अर्जुन साहब ने थैंक यू एम गरुड़ जी थैंक यू कहवा माटे गया। अब जब भगवान के पास धन्यवाद प्रकटीकरण के लिए शिव जी के पास गए तो भोले बाबा ने शिव जी ने विश्वनाथ ने गरुड़ जी से कहा गरुड़ जी आओ एक बात हम आपको सुनाते हैं। बोले क्या बात है। बोले ये बात बहुत गुप्त है और मैं आपको ही कहता हूँ। बोले कहिए महाराज। बोले देखो आप अब से विष्णु के वाहन बनने वाले हो। बोले हाँ, तो मैं आपको कान में सुना देता हूँ कि मैं ही विष्णु हूँ, विष्णु कोई और दूसरा नहीं है, मैं ही विष्णु हूँ, इसलिए तुम घबराओ नहीं, मैं ही विष्णु का स्वरूप हूँ, तुम जाओ और विष्णु के वाहन रूप में कार्यरत रहो। वही गरुड़ भगवान के वाहन बने और विष्णु के वाहन बने। तो जो जो जीव मणिकर्णिका में स्नान करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है या गंगा के पास काशी के मुक्तिपुरी में आकर अपना शरीर छोड़ता है वो विष्णु स्वरूप होता है। और कैसा तन्मध्यत भृगुलंचनो गरुड़गा, वो गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर वैकुंठ की ओर चलता है, यही उसका महत्व है। दो मिनट के लिए कीर्तन कर आगे कथा का अनुसंधान करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बनवारी 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 मनुजस्ततोपि पशव कीटपतङ्गादय इन्द्रद्यस्त्रिदश पतन्ति नियतं भोगक्षये ये पुनर। इंद्र वगैरह जो देवता हैं वो देवता लोग भी अपने जब पुण्य खत्म होते हैं तो वहां से नीचे गिरते हैं। देखिए देवलोक जो है वो देवलोक में आपके सबसे अच्छे पुण्य हो जाए तो आपको प्रवेश मिलता है, मतलब आप देव स्वरूप बनते हैं। गुजराती में आपड़े त्या कोई गुजरी जाए એટલે એવું કહીએ છે દેવલોક પામે આવ્યો, બોલો છો દેવ થઈ ગયા। દેવ થઈ ગયા મતલબ શું, વો દેવલોક મે ગયે। અબ વો જો દેવલોક ગયા વખત ના ગયો આપણે કહીએ છીએ બધાને, એ વાત અલગ છે,
क्योंकि अपनी धारणा है देव लोक में जाए तो सारू है, भूत थे तो अपने देव कही, प्रेत थे तो देव कही, ठीक है। आजकल तो गुजरात में चुड़ेल माता पूजा है, कई लांबी चिंता करने जरूर नहीं। लोग गमे तेनी पूजा करे, पूजा कोनी करवी एनी समझण नथी, एने जा तकलीफ छे। अने एज पहेला आपणे दृष्टांत एक वखत आप्युं ने, प्राप्तो लपोड़ शंखो, आ बधा लपोड़ शंखो नी पूजा थाय। अने एटला माटे पूजा कोनी करवी एनी समझण होवी जोईए। तमे कोनी पूजा करे, मत पूजो हर पत्थर को, हर पत्थर भगवान नहीं, दरेक पत्थर नी पूजा ना करे, पूजो उसी को जिसमें देवत्व चमकता हो, मत पूजो हर पत्थर को, हर पत्थर भगवान नहीं। बात हमें हमारा जयसुद पाचो अपना श्लोक रही जैसे मने हम था कि विषय उपड़ी जाए पी पाचो आ बाजू रही जाए। इंद्रद्यस्त्रिदश पतंत नियतम भोगक्षये ये पुनर। देखो आपके अगर कर्म सबसे अच्छे हो जाए, कर्म के अनुसार आपको योनि प्राप्त होती है, मनुष्य योनि में आने के बाद अगर आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और अच्छे अच्छे पुण्य रहते हैं, जैसे आपका बैंक में आपको डेबिट और क्रेडिट होता है, डेबिट डेबिट खत्म हो जाए और क्रेडिट क्रेडिट बचे, तब आपको देवलोक में जाने का मौका मिलता है, आप देव बन सकते हैं। देखो देव बन सकते हैं, भगवान नहीं। आप दोनों के बीच में भेद है ये समझ लीजिएगा, मैं देव कह रहा हूं, भगवान नहीं कह रहा हूं। लोग सब भगवान भगवान लगाते हैं और भगवान भगवान कहते हैं अपने आप को। यहाँ भगवान शब्द की व्याख्या भी दो दिन पूर्व बताई गई थी। भगवान किसे कहते हैं? जैसे धन वाला है उसे कहते हैं धनवान, धनवान यानी धन वाला, स्वरूपवान यानी स्वरूप वाला, बोलते हो ना आप लोग, वैभववान यानी वैभव वाला, लक्ष्मीवान यानी लक्ष्मी वाला, तो भगवान यानी भग वाला। और भग में ये छह शब्द है, मतलब छह वस्तुएं आती हैं। सच भगवान ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न, जिसमें ये छह वस्तुएं हैं उसका नाम है भगवान। देखो परमात्मा ईश्वर या भगवान एक ही है, दो नहीं हो सकते, भगवान एक है। देवता 33 करोड़ है। मैं 33 करोड़ तो इसलिए बोल रहा हूं कि जिस समय 33 करोड़ थे उस टाइम की बात है। देवता बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, संख्या बढ़ सकती है, संख्या घट सकती है, लेकिन 33 करोड़ आजकल एक SMS चल रहा है, 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि का मतलब है 33 प्रकार के, कोटि शब्द का एक प्रकार है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है, और जिनको गिनना हो नोटबुक और पेन लेकर आ जाए, हम बता देंगे, हम बोलते जाओ, हमको समय हो और आपके पास लिखने का टाइम हो तब आ जाओ, हम लिखवा देंगे आपको 33 करोड़ कौन से हैं। बात यह है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि देवता अलग है, परमात्मा यानी भगवान अलग है। देव एक योनि है, अच्छे कर्मों से देव योनि प्राप्त होती है। मानो आपके पास जैसे बैंक बैलेंस है, जिनके पास अच्छा बैंक बैलेंस है वो देव योनि में जाते हैं, देव योनि में जाने के बाद नया बैंक बैलेंस नहीं कर सकते, जो बैंक बैलेंस है उसको खर्च करना है, खर्च करना है। आप काशी में आए, वाराणसी में, यहां आकर आप धंधा करके पैसे बैंक में जमा कर सकते हो? नहीं। जो लेके आए उसको खर्च कर सकते हो, और जब खर्च हो जाए तब वापस जा सकते हो, यहां नया पैदा नहीं कर सकते। वैसा ही देवलोक में आपके जो बैलेंस पड़ा है पुण्य का, वो पुण्य का बैलेंस आप खर्च करते रहो, करते रहो, करते रहो, 1 साल, 2 साल, 25 साल, 500 साल, 5000 साल, 5 लाख वर्ष, जितने भी है, खर्च जब पूरा हो जाएगा और शेष नील हो जाएगा, तब देवलोक से आपको नीचे गिराया जाएगा। गीताकार कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। कर्म योनि केवल केवल मनुष्य योनि ही है, मनुष्य के अलावा किसी और योनि में आप नए कर्म जमा नहीं कर सकते। आगे कर्म का विषय आएगा तब हम बताएंगे, अभी तो बात यह है कि देव योनि भी भोग योनि है, देव योनि भी कर्म योनि नहीं है। देवता कोई कर्म करता है तो उसे पुण्य या पाप नहीं मिलता। देवता मान लो आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, आप गए यहां से 80 घाट पर, और कोई देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और आपका कुछ भला कर दे, चलो तुम्हारा काम हो जाएगा आज से, तुमको लाख रुपए मिल जाएंगे, तो देवता ने आपके ऊपर कुछ कृपा की तो देवता को उसका पुण्य नहीं मिलेगा।
और अगर देवता आपका कुछ बिगड़ लेता है तो देवता को पाप नहीं लगेगा, वो पुण्य और पाप से भिन्न हो जाता है। उसके पास जो पुण्य है वो खर्च कर सकता है, नया पुण्य अर्जित नहीं कर सकता। मनुष्य नया पुण्य भी अर्जित कर सकता है, नया पाप भी अर्जित कर सकता है, मनुष्य को छोड़कर बाकी किसी योनि में नए पुण्य आप अर्जित नहीं कर सकते, नया पाप आप अर्जित नहीं कर सकते, केवल मनुष्य योनि में ये हो सकता है। मान लो कोई गाय है और गाय के ऊपर कोई शेर टूटता है और गाय को मार डालता है तो शेर को पाप नहीं लगता, लेकिन कोई मनुष्य गाय के ऊपर डंडा उठाता है, मारता नहीं है उठाता है, तो भी उसके ऊपर पाप जमा हो जाता है। तो आप करते हो तो पाप जमा होता है, लेकिन शेर करता है तो, मतलब मनुष्य को छोड़कर किसी और योनि में पाप और पुण्य नया अर्जन नहीं कर सकते, केवल मनुष्य की योनि में आप नया पाप और नया पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर, इंद्रद्यस्त्रिदश पतंत नियतम भोगक्षये ये पुनर, नए नए भोग वहां पर आपको मिल सकते हैं और वो खत्म हो जाए तो आपको धक्का मारकर नीचे गिराया जा सकता है। केवल मनुष्यों में ऊपर जाने की व्यवस्था है, बाकी सब में नीचे गिरने की व्यवस्था है। तो देवताओं की योनि से आपको स्वर्ग लोक से धक्का देकर आपका पुण्य खत्म हो गया, चलो नीचे, और फिर वहां से गिराया जाता है और फिर नीचे आना पड़ता है। देखो भगवान शंकराचार्य कहना तो ये चाहते हैं कि देवलोक से भी आपको नीचे आना पड़ता है, लेकिन मणिकर्णिका के ऊपर अगर शरीर छोड़ दिया या काशी में शरीर छोड़ दिया तो वापस आने की कोई संभावना नहीं है। आपकी सीधी मुक्ति हो सकती है, तो मुक्ति देवलोक से नहीं हो सकती, लेकिन काशी से मुक्ति हो सकती है, मणिकर्णिका से मुक्ति हो सकती है। ये देवलोक से की ऊपर है, क्योंकि देवताओं में अमृत पान होता है। अमृत का पान करने से क्या होता है, अमरत्व प्राप्त होता है, लेकिन जन्म तो फिर से लेना पड़ता है। अमृत का पान करने से जन्म लेना पड़ता है, लेकिन गंगा का काशी में मणिकर्णिका का पान करने से फिर स्तनपान नहीं करना पड़ता, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। यहां अगर जो गंगा का पान कर लिया जाए तो दूसरी बार स्तनपान करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए देवयोनि से भी बड़ी कोई चीज है तो वो काशी का मणिकर्णिका है। इसलिए यहाँ भगवान शंकराचार्य कहते हैं इंद्रद्यस्त्रिदश पतंत नियतम भोगक्षये ये पुनर् जायन्ते मनुजस्ततोऽपि पशव कीट पतंगादय। और देवलोक से आने के बाद भी फिर से मनुष्य बनता है, फिर से पशु बनता है, फिर से पक्षी बनता है, फिर से कीट बनता है, फिर से पतंग बनता, मतलब आपको देव होने के बाद भी नीची योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन ये मातर मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति निष्कल्मषा, लेकिन माँ मणिकर्णिका तेरे जल में अगर कोई बैठकर अपने आप को उस जल से मज्जन करता है तो वो पापों से बिल्कुल विमुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। ये मातर मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति निष्कल्मषा, और फिर क्या होता है, सायुज्येऽपि किरीट कौस्तुभ धरा नारायण सुरनरा। और फिर होता क्या है, सायुज्येऽपि किरीट, सायुज्य मुक्ति मिलकर नारायण सुरनरा किरीट कौस्तुभ धरा, माथे पर मुकुट, यहाँ पर गले में कौस्तुभ मणि, और साक्षात भगवान का स्वरूप होकर चतुर्भुज नारायण बनकर यहाँ से सीधा वो वैकुंठ को जा सकता है। इसलिए फिर उसको इस भूमि पर जन्म लेकर आने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान एक है, हमने आपसे पहले भी कहा, और देवता अनेक है। भगवान एक, देवता अनेक, भगवान वो है सबका बाप होता है, लेकिन जो सबका बाप होते हुए भी जिसका कोई बाप नहीं है उसका नाम भगवान है। जे बद्दानो बाप छे पण एनो कोई बाप नथी एनु नाम भगवान। इसलिए परमात्मा वो है। हमारे यहाँ केनोपनिषद में बहुत अच्छी कथा हेमवती देवी की आई है, और उस कथा में ऐसा है कि एक बार देव और दानवों का संघर्ष हुआ, और संघर्ष होने के बाद देवताओं का विजय हुआ, दानव लोग पराजित हो गए, देवताओं ने सभा बुलाई, सारे देवता एकत्रित हो गए, और एकत्रित होकर सब अपनी अपनी बड़ाई, आपके घर में ब्याह होता है, शादी होती है, अच्छा कार्यक्रम हो जाता है, फिर परिवार के लोग बैठते हैं और कहते बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, मैंने ये किया, इसने ये किया, आप सब लोग करते हो ना, उसका नशा रहता है, वैसे विजय का नशा हुआ और नशे के कारण सारे देवता एकत्रित हुए,
और सब बातें करने लगे। क्या बातें करते थे? इसने ये कौशल दिखाया, इतने लोगों को मार डाला, इतने ऐसे देवताओं ने पराजित किया उसको, दानवों को। अब भगवान के मन में आया कि ये सब मेरी शक्ति के कारण लड़ते हैं और अपने आप को अहंकार से पुष्ट करते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। लाओ थोड़ी परीक्षा कर लेते हैं। और परमात्मा ने यक्ष का स्वरूप धारण किया। परमात्मा कैसा भी स्वरूप धारण कर सकते हैं, रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव, वेद का सिद्धांत है, भगवान जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं। तो परमात्मा ने यक्ष का रूप धारण किया और सामने आकर देवताओं की सभा से थोड़े दूर एक तरफ एक बाजू आई में उभर है। और जैसे ही परमात्मा वहां खड़े रहे उसमें से प्रकाश आने लगा, प्रकाश नहीं प्रकाश का पुंज आने लगा, जैसे कोई सूर्य प्रकाशित हुआ हो उस तरह से किरण निकलने लगी। अब प्रकाश आता हो तो सबकी नजर जाएगी यहां से, अगर मान लो अचानक प्रकाश आ जाए तो सबकी नजर वहां जाएगी, तो सबकी नजर गई देवताओं ने कहा ये कौन है ये कौन है ये कौन है। अब इंद्र कादी पर बैठे थे, बाकी सब सामने बैठे थे। अब कौन जाए वहां कहने के लिए कि भाई आप कौन हो, पूछने के लिए तो जाना पड़ेगा, वैसे कैसे पता चलेगा। तो इंद्र ने देवताओं को कहा कोई एक जाओ और पता करो ये कौन है और किसको भेजे। देखिए देवताओं का काम क्या है, देवता जो है परमात्मा जिस चीज को आपके तक पहुंचाना चाहते हैं वो जिसके माध्यम से देते हैं उनको कहते हैं देव। समझाए थे तुमने? भगवान जे वस्तु आपवा मांगे ये जेना द्वारा आपे ये वाया मीडिया ने कहवाय देव। એટલે ભગવાને તમને ઓક્સિજન આપવો છે એટલે ઓક્સિજનના બાટલા મોકલે છે, એ કોના દ્વારા આપે? ભગવાન વાયુ કે દ્વારા દેતે હૈ, ઇસલિયે હમ વાયુ કો કહેતે હૈ વાયુદેવ। ભગવાન કો પ્રકાશ દેના હૈ તો સૂર્ય કે દ્વારા દેતે હૈ ઇસલિયે સૂર્યદેવ। શીતલતા પ્રદાન કરતી હૈ તો ચંદ્ર કે દ્વારા દેતે હૈ ઇસલિયે ચંદ્રદેવ। અગર પરમાત્મા આપકો ભોજન દેના ચાહતે હૈ તો અન્ન કે દ્વારા દેતે હૈ ઇસલિયે અન્ન હમારે યહાં દેવ હૈ। પરમાત્મા આપકો ઉર્જા દેના ચાહતે હૈ વો અગ્નિ કે દ્વારા દેતે હૈ ઇસલિયે અગ્નિ હમારે યહાં દેવ હૈ। ભગવાને તમને શરીર આપ્યું છે તો શું કરે, પુતળું બનીને કે આમાં ઘૂસી જાવ એવું કરે? वो किसके द्वारा देते हैं? माँ और बाप के द्वारा देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। माँ भी देव है और पिता भी देव है, इसीलिए देव कहा जाता है कि परमात्मा जिसके द्वारा शरीर प्रदान करता है वो देव है। अब भगवान ने वहां यक्ष का स्वरूप लिया, देवताओं को इंद्र ने कहा जाओ जांच करो कौन है, तो किसी एक देव को खड़ा किया, अग्निदेव हो वायुदेव हो सूर्य कोई एक खड़ा हो जाओ। तो वायुदेव गए, क्यों गए? परीक्षा करने के लिए, कौन है मापने के लिए। अब गए वहां, गए तो थे परीक्षा लेने के लिए पूछने के लिए, लेकिन घबरा रहे थे। शहर में कर्फ्यू लागे हो, एक कर्फ्यू में पहला मिनिस्टर अंदर बैठा हुआ है, कमिश्नर बैठा हुआ है, पहला पुलिस वाला ने ऑर्डर करे बाहर जा, तब तूफान सानी तो आए थे धमान सानी तो आए थे, अब पुलिस वाला डर लगता पथरा पड़वाना पथरा पड़वाना पथरा, अब पाटीदारों आंदोलन हमने हड़गा से तो એટલે પેલા ને ગભરામણ થાય, પેલો એસી બેઠો બેઠો ઓર્ડર કરે જવાનું તો આને ને, જિસકો જાના હૈ ડર તો ઉસકો લગેગા, તો વાયુના વાયુદેવ ગભરાને લગે ઓર ગભરાતે હુએ વહાં પર પહોંચે ઓર વહાં ગયે। अब पूछने के लिए गए थे कि आप कौन है, लेकिन वायुदेव बोले उससे पहले यक्ष बोलने लगे और यक्ष ने कहा आप कौन है, वायुदेव ने कहा मैं, हाँ बोले आप बोले मैं वायुदेव। अच्छा आप वायुदेव है, आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है? वायुदेव ने कहा मैं वहन करता हूँ, किसी को भी उड़ा सकता हूँ, एक से दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ। बोले ऐसा है? बोले हाँ। बोले ये तिनका यह गिरा है, इस तिनके को जरा उड़ा के दिखाओ कि कितना तुम उड़ा सकते हो। नानू तणखलू पड़ू छे, आ तणखला ने तुम्हें उड़ाड़ी ने देखाड़ो। अब तिनको उड़ाने के लिए बोला और वायुदेव प्रयास करने के लिए तिनके को उड़ाने के लिए गए। आप किसी बच्चे को बोलते हैं कि लाइट या फैन जलाओ, वो बच्चा स्विच ऑन करने के लिए जाता है, वो स्विच को अगर स्पर्श करे उससे पहले आप जाके मेन स्विच का फ्यूज निकाल देते हैं तो क्या होगा, स्विच से लाइट या पंखा ऑन नहीं होगा। वायुदेव उस तृण को उड़ाने के लिए गए, लेकिन वायुदेव की जो शक्ति का फ्यूज था वो परमात्मा ने खींच लिया और मेन स्विच का जैसे फ्यूज खींच लिया, वायुदेव ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन तिनका वहां से हिला नहीं, और जब तिनका नहीं हिला बहुत प्रयत्न के बाद तो वायुदेव शर्मिंदा हो गए, चुपचाप आए और देवताओं की सभा में पीछे आकर बैठ गए। इंद्र को पता चल गया आके लाबू उकड़ जाया लागता नहीं, चुपचाप आई बैठा। दूसरे देवता को खड़ा किया, अग्निदेव आप जाओ, अग्निदेव गए। अब अग्निदेव की भी यही दशा हुई, वो पूछे उससे पहले मूर्ति ने पूछा आप कौन है,
अग्निदेव ने कहा मैं अग्नि, आप क्या करते हैं? मैं किसी को जला सकता हूँ, इस तिनके को जला के दिखाओ। अग्निदेव जलाने के लिए गए, भगवान ने शक्ति का फ्यूज खींच लिया। अग्निदेव ने बहुत प्रयास किया, तिनका जला नहीं, वो भी वापस आए। एक एक करके सब गए, सब देवताओं ने प्रार्थना की इंद्रदेव आप ही पधारिए, और इंद्र सहित पूरी सभा उठी और वहां पर गई। यक्ष स्वरूप भगवान ने अपना स्वरूप जो था एकदम बिजली का कड़ाका हुआ, अष्ट देवी का, अष्ट हाथों वाली, आठ हाथों वाली देवी का स्वरूप धारण किया। और भगवान ने कहा देवता तुम जिस शक्ति से ये लड़ाई लड़ते हो और विजयी बनते हो वो शक्ति मेरी है, तुम जिसके कारण ये अभिमान करते हो वो शक्ति मेरी है। शक्ति देवताओं की नहीं है, शक्ति परमात्मा की है, देवताओं के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। तमे कोई दुकान में जाओ अने कोई नौकर ने को मने एक बोरी खांडा पहली तारीखे पगार आवे એટલે पैसा આપી દે તો નોકર કે ભાઈ બાકી માં ઉધાર આપવાની મને સત્તા નથી, તમે માલિક ને કહો એટલે દુકાનદાર ને જઈને તમારે વિનંતી કરવાની કે શેઠ સાહેબ મારે એક બોરી ખાંડ ની જરૂર છે, ઘરે પ્રસંગ છે, પહેલી તારીખે પગાર આવશે, હું પૈસા આપી દઈશ। એટલે શેઠ પેલા નોકર ને કે આ ભાઈજી આયા છે ને એમને જરા એક બોરી ખાંડ આપો। હવે તમને ખાંડ કોણે આપી, શેઠે આપી કે નોકરે આપી? આથો આથ નોકર આપે છે, પણ વાસ્તવમાં આપનાર કોણ છે? શેઠ। એ જે શેઠ છે એ ભગવાન અને નોકર છે એ દેવ। હવે તમને જો સમજણ પડતી હોય તો તમે બેંકમાં જાઓ ચેક લઈને કે મને પૈસા આપો, હવે ચેક રજૂ કરો એટલે પેલો કેશિયર છે એ તમને પૈસા આપતા પહેલા ટોકન આપે, પછી એ ચેક છે ને મેનેજર પાસે મોકલે, મેનેજર સહી કરે, પછી પેલો કેશિયર તમને પૈસા આપે। હવે પૈસા આથો આથ કોણે આપ્યા? કેશિયરે, પણ મેનેજર સહી ના કરે તો ના મળે। એ મેનેજર દેખાતો નથી, કેબિનમાં બેઠો છે, પણ વાસ્તવમાં એ મેનેજર જે અંદર બેઠો છે એ માલિક છે અર્થાત પરમાત્મા છે, અને હાથો હાથ આપનારો કેશિયર એ નોકર એ દેવ છે। જીતને ભી દેવ હૈ વો પરમાત્મા કે નોકર હૈ, ઓર પરમાત્મા સબકા માલિક હૈ, ઈશ્વર સબકા સ્વતંત્ર સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર હૈ। વો જો પરમાત્મા હૈ વહી વિશ્વનાથ ઓર વહી વિષ્ણુ હૈ, વહી હરિ હૈ। ઇસલિયે દેવલોક અલગ હૈ, દેવતા ભી ઉનકા અધપતન હોતા હૈ, મનુષ્ય ભી યોનિયો મેં આતે હૈ, લેકિન મણિકર્ણિકા મેં સ્નાન કરને કે બાદ, કાશી મેં શરીર છોડને કે બાદ, ભગવાન કે તારક મંત્ર સુનાને કે બાદ, ફિર સે વાપસ જન્મ નહીં લેના પડતા। યહી શ્લોક કી મહિમા હૈ। સમય કી સીમા કો દેખતે હુએ હમ આજ કે સત્ર કો, ઇસ દ્વિતીય પુષ્પ કો ભગવાન શંકરાચાર્ય કે ચરણો મેં અર્પિત કરતે હુએ યહી વાણી કો વિરામ દેંગે। બોલિયે શંકરાચાર્ય ભગવાન કી જય, વ્યાસ નારાયણ ભગવાન કી જય, નમઃ પાર્વતી વદય હર હર મહાદેવ। ઓમ आरती, ओम शिव नारायण की आरती, ओम शिव नारायण। शक्ति पराशर व्यास देव शुक गौड़ प्रभु की आरती, ओम शिव नारायण की आरती, ओम शिव नारायण की। गोविंद मुनि यतिवर श्री शंकर आरती, ओम शिव नारायण की। नरसिंह वामन भृगु नंदन की, नरसिंह वामन राम मालिका शारदा, उमा रमा काली का शारदा, कलि में पाती आरती, ओम शिव नारायण की। कल्पूर गौरम कर्णावतारम संसार तारम भुजेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवन् कुञ्जविहारी मुरली